तो मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर को, तब इसराइली लोग अभी क्या, अभी क्या है, कितना बड़ा फौज आएगा तो भी अब ताली बजा के जाने से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, हैं? जय पा सकता है। लोग हथियार लेकर आ रहा है, इन लोग क्या करके जा रहा है, प्रभु का धन्यवाद देते जा रहा है। एक बार एक सेवक को अंदर डाल दिया, जेल के अंदर डाल दिया, सेवक उधर बैठकर, दो सेवक लोग बैठकर गीत गाने लगा, फिर क्या हुआ उधर में, जिन्होंने अंदर डाल दिया वो घुटना में बैठ गए। हालेलुया, ये है मसीह जनों, कौन है बोलो, पौलुस और सिलास, उनको दिन भर पूरा मारा, अंदर जाके उनका खाट के अंदर डाल दिया, उन लोग उधर बैठकर हालेलुया धन्यवाद हो, प्रभु का स्तुति करता रहा। बाद में कौन घुटना में बैठकर बोलते, ये क्या बोलता है उन्होंने, ए साहिबो, उतार पाने के लिए, अभी कौन कैदी बन गया, जिन्होंने कैद खाने में डाला वो अभी कैदी बन गया, ये है हमारा मार्ग। हालेलुया हालेलुया, इसलिए मेरे प्यारों, ये वचन सच है, ये वचन सच है, इसमें कोई चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। प्रभु बोलते हैं आसमान टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो इसलिए हम जानना है, जितना भी समस्या आता है उस समस्या के द्वारा हम किसको जानता है, परमेश्वर। तो इसलिए मेरे प्यारों, समस्या के बीच में से छुड़, आप लोग, आप लोगों का प्रार्थना कैसा है, प्रभु छुड़ाओ, प्रभु दर्द बहुत होता है, बेटा मर जाएगा प्रभु, पति मर जाएगा, पत्नी मर जाएगा प्रभु, मैं उपवास रखता हूं प्रभु, 3 दिन नहीं तो 5-7 दिन रखता हूं प्रभु, उठाओ। मैं ऐसा प्रार्थना नहीं करता, मैं प्रभु से प्रार्थना, प्रभु इसके बीच में आपको जानने के लिए मुझे फसल दे। छुटकारा चाहने वाला मार्ग नहीं है ये, छुटकारा चाहने वाला मार्ग नहीं, पढ़िएगा ऐसा कोई वचन, वचन है, हाँ, इब्रानी 11 अध्याय निकाले, इब्रानी 11 अध्याय, हालेलुया, उसका 35 पढ़िएगा, 11 अध्याय का 35। स्त्रियों ने अपने मरहुओं को फिर जीवते पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए, मार खाते खाते मर गया, और छुटकारा ना चाहा। छुटकारा, हम लोग क्या है, छुटकारा प्राप्त, छुटकारा के लिए प्रार्थना करके, प्रार्थना करके थक गए। हालेलुया, छुटकारा नहीं चाहा। शद्रक मेशक अभिनगो का बात थोड़ा सा सोच लो, प्रियगा दानियल के किताब में आइएगा, तीसरा अध्याय है, आग उनके लिए तैयार करके रखा हुआ है, तब उन्होंने क्या जवाब देता है, राजा को क्या जवाब दे रहा है, उन लोग बपतिस्मा लिया हुआ लोग नहीं, पवित्रात्मा पाए हुए लोग नहीं, पड़ेगा तीसरा अध्याय, उसका 15 से पढ़िएगा। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे, फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके। शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबुकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन जान नहीं पड़ता, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं
वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो, तुम्हें मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी करावी सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हालेलुया। हे राजा तुमका ये मालूम हो, हमारा परमेश्वर छुटकारा दे सकते हैं, लेकिन हम छुटकारे के लिए इंतजार नहीं कर रहा है। शद्रक मेशक को दिख रहा है वो खप प्रभु अद्भुत काम, नहीं छुटकारा मिले ना मिले हम तुम्हारा मूर्ति को पूजा नहीं करेंगे। आप में से बहुत लोग क्या करते हैं भाई बहन लोग, पास्टर जी मैं तो दर्द सह लूंगा, मेरा बच्चा जब बीमार हो जाते हैं मेरा दिल क्या हो जाता है, कच्चा हो जाता है। क्यों बच्चा बीमार होते वक्त दिल क्यों कच्चा हो जाता है, बोलिए बोलिए क्यों? बच्चे को त्यागा नहीं, बच्चे को त्यागा तो दिल कच्चा होगा। मैंने कल आपको बताया मेरे बेटी मेरे साथ में हम लोग रात के समय में बोल रहा था, प्रभु ये बेटी को आपने आशीष दिया करके मैंने नहीं प्रार्थना किया, प्रभु आशीष पाया बेटी को तूने मेरे घर में जन्म होने दिया, फर्क है उसमें है? ये चुना हुआ बेटी को, ये चुना हुआ पात्र को मेरे घर में आपने जन्म होने दिया है, प्रभु इसके लिए मैं योग्य नहीं हूं। आपका चुना हुआ बेटी को मेरे घर में जन्म लेने के लिए योग्य नहीं, प्रभु मेरे बहू बहू को मैं यमी को कभी बहू करके एक दिन भी नहीं सोचा, मैंने मेरा पत्नी को भी बोला है यमी हमारा बहू नहीं हमारा बेटी है, आज तक हम ऐसा ही रख रहा है। फिनी को भी बोला ये हमारा बहू नहीं है हमारा बेटी है। तो मैंने उनके बारे में भी प्रभु से बोला, प्रभु इस बेटी को तूने हमारा घर में दिया इसके लिए सौभाग्य मिला, प्रभु से आपको मिला करके एक विश्वास होगा तो आप बच्चे का बीमारी देकर रोएगा नहीं, आप बोलेगा धन्यवाद प्रभु आपने दिया है, आपका मर्जी है तो ले लो मेरे साथ में देने तो हमारा क्या है, बच्चे दिया वो मैं 9 महीना पेट में रखकर पाला आपको क्या मालूम पास्टर है, 9 महीना मैंने उसको रोज पेट में रख करके फिर कितना दर से पैदा किया और कितना दर से उसका लैट्रिन साफ करता रहा कपड़ा धोता रहा, तुमको आपको क्या मालूम, आप जन्म आप बच्चे पैदा करने से ही आपको मालूम होगा कितना दर्द होता है मेरे प्यारो। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा मां अपने दूत वाला पीछे बच्चे को भूल जाए तो भी मैं तुमको क्या नहीं करूंगा, नहीं भूलेगा मेरे प्यारो। का आज सुबह जैसा मैंने आपको बताया है इधर का रिश्ता सब थोड़ी देर का नाम के वास्ते रिश्ता है, इस रिश्ता में बाबा भाई बहन पति पत्नी का इस रिश्ता में आप जीतेगा तो प्रभु के साथ में युगानुयुग तक वास कर सकता है। तो आप बोलेंगे पास्टर जी आप कितना भी प्रचार आप करें मैं मेरे बच्चे की बात को क्या नहीं करूंगा, ये तो इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, माउत आकर आप बच्चे को चीतो सब खत्म हो गया, छाती पीटकर रोते रहेगा एक दिन नहीं 10 दिन नहीं रोता रहेगा, तुमको तुम्हारा तकदीर वही है। लेकिन जिन्होंने यीशु को यीशु के लिए अपना दिल के अंदर का स्थान दिया है तो बच्चा मर गया धन्यवाद हो आपने बच्चे को दिया, इतना देर तक उनका सेवा करने के लिए मौका मिला आपने ले लिया है। भाई अगर आप अपना बच्चे के साथ अच्छी तरह सुनिएगा मां, अगर आप अपना बच्चे के साथ लगाव रखेगा तो आप दुल्हन कभी नहीं बनेगा। कितने लोग सुना, प्रभु ने बोला दुल्हन कोई कौन हो सकता है, अब उनका चेला, तो प्रभु ने जो सब कुछ त्याग ना दे मेरा चेला
आपके गोद में रखने रखा हुआ अभी आपको देखकर मुस्कुराने वाला बच्चे का, जिसके लिए आपने इतने साल प्रार्थना किया उसके बाद मिला, आप सोचते परमेश्वर ऐसा करने वाला नहीं। आपको मैं परमेश्वर इस बात में कितना टेस्ट करता है थोड़ा आपको बताऊं, बाइबल में कोई ईसा है, कोई जगह है उसके परमेश्वर ऐसा टेस्ट करके देखता है? हैं बोलो, हाँ पढ़िएगा पढ़िएगा, उल्पति किताब 22वां अध्याय। हाँ हाँ बोलते हैं हालेलुया हालेलुया, मेरे बच्चों को लेकर के मैं चलू चलता रहूंगा। हाँ उल्पति 22वां अध्याय निकाले, आप सोचेंगे ये बाइबल क्लास को नहीं आना था, घर में बैठने से अच्छा था, ये इधर में आते तो फंस गया है। हाँ आप वो आपको फंसा कर ही छोड़ेंगे है? उसका पहला आयत से लेकर पढ़िएगा, पहला और दूसरा आयत। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। बीमार बच्चे का बीमार कहां से आएगा? तो मां अन्य भाषा बोलने वाला सबका अन्य भाषा बंद हो जाता है, रोना ही आ जाता है। इधर में बपतिस्मा भी नहीं लिया, पवित्रात्मा भी नहीं पाया, उस अब्राहम को परमेश्वर बोलते 25 साल इंतजार करने के बाद मिला हुआ बेटा, 12 साल का हो गया, बच्चे का प्यार भी मिलने का लग गया, बाप के साथ खेल रहा है दौड़ रहा है, प्रभु बोलता है इसको तुम्हारा हाथ से क्या करना, तुम्हारा हाथ से इधर बैठा हुआ कितना मां उसके लिए तैयार है बोलो। अपने आप को तुम्हारा हाथ से क्या करना है, उसको बेली करना है। हाँ बोलते हम हालेलुया, बोलते मेरे बच्चे प्रभु अभी मेरा कुछ लोग बोलते मेरा बच्चे वो प्रभु ने चंगा नहीं किया इसलिए मैं गंदगी के लिए नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊं? तुम लोग सियोन देश का नास्तिक भी नहीं आएंगे, दूर 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 रहेंगे। अगर अब्राहम से परमेश्वर अपना बेटे का लगाव हटा दिया तो आपके लिए क्या है? आप लोग बोलेंगे ऐसा परेशान, निकल जाओ इधर से, इधर बैठ कर टाइम बताओ, कल सुबह बिस्तरा बांध कर चले जाओ, जगह खाली कर दो। आप बोलेंगे ये इतना कठिन उपदेश हमको नहीं चाहिए, बेच आप बिस्तर बेकार, इधर में इससे कठिन आने वाला है, आपका चिल्का पूरा उतारेंगे। बाद में आप जब घर में जाकर देखेगा तो पति आपको पहचानेगा नहीं, ऐसा हालत में लाकर ही आपको छोड़ेंगे इधर से। ये नहीं सोच रहे आपको रोटी बनाने के लिए, आपको रोटी बनाने का कोई काम नहीं, वो भाई लोग कर रहा है, मैं आपको रखकर आपका छिलका एक एक दिन उतारता ही रहेगा। आप लोग सोचा इधर आकर थोड़ा सा मोटा होकर जाएंगे, भाई ये मोटा होने का नहीं, तुम्हारा पूरा छिलका उतार कर भेजने का। उड़ने का योग्य बनाना है, नरसिंगा भूंगने का समय आ गया है। मसीह यीशु मसीह के कलीसिया में बहुत तेरा पास्टर लोग गलत तालीम लेके आया, प्रभु से प्रार्थना करके आशीष मांग रहा है जो बाइबल के खिलाफ में है, उसके लिए आज पकड़ा हुआ, आज इस दिन में आए हुआ कितना शक्तियां प्रकट हुआ। मेरे प्यारों, अगर अब्राहम को परमेश्वर ने बोला तुम्हारा बेटे को बेली करो, मैं अब्राहम के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं, सुबेरे उठ गए, उन्होंने पहाड़ पर चले गए और उधर जाकर परमेश्वर से एक बार भी प्रार्थना नहीं कर रहा है, प्रभु
छुड़ा दो, आप उसका उसका तीसरा पद पढ़िएगा। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दोस्त देहान वो तड़के उठा, रात को प्रभु बोला, अभी अब्राहम उपवास कर रहे, प्रभु मैंने सुना हुआ सही है या नहीं, प्रभु कभी ऐसा बोलेगा, 25 साल इंतजार करने के लिए मिला हुआ बेटे को बेली करना, शायद मेरा कोई बुरा सपना है, कोई शैतान बोला होगा, परमेश्वर कोई ऐसा बोलता है? परमेश्वर दिया हुआ चीज को परमेश्वर कभी वापस लेता है? ये कोई शैतान बोला होगा। आप आज भी मैं सोता हूं, अगर परमेश्वर कल रात को आपने बोला तो आज रात भी मेरा दरवाजा खड़का मेरे से बोलना, परमेश्वर तुम्हारे साथ भीख मांगने वाला नहीं, तुम्हारा खूबी को प्रकट करने के एक मौका देगा, बार बार मौका नहीं देगा। तुम हरते जाते तो नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 होता जाएगा। परमेश्वर का नंबर 1 होना है तो एक बार इशारा मिल गया तो हाँ जी, नहीं तो नंबर 2 होगा, नंबर 3 होगा, नंबर 4 होगा। आपको मालूम है जो खेत में से एप्पल वगैरह निकले, नंबर 1 क्वालिटी नंबर 2 क्वालिटी, इसलिए स्वर्ग के लिए नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसा बहुत है, याद रखना। ये नहीं सोचना महिताब इकट्ठा माल इकट्ठा होंगे, इसलिए बोला जी उठने वाला लो पहला कर दी 15 अध्याय में लिखा, अपना अपना अलग अलग महिमा में उठेगा, जी उठेगा। प्रभु एक बार आपको इशारा दिया है तो काफी है। मुझे प्रभु नौकरी इस्तीफा देने के लिए सिर्फ एक ही बार, मैं उस वक्त अखनूर में वो जो नदी के ऊपर पुल बना रहा, रात के समय प्रभु ने बोला तुम्हारा इस्तीफा दे दो, उधर ही आकर तंबू में आकर घुटने में बैठकर कागज में लिख दिया। सरकार 3 बार इनकार किया, मैंने बोला लिख दिया तो लिख दिया, अभी वापस लेने का सवाल ही नहीं होता। अपना बच्चे को अपना हाथ से मारने तक का पूछने वाला है हमारा परमेश्वर, समझ गया? आपको अब्राहम को बोला तुम्हारा हाथ से उनको क्या करना है, उन्होंने क्या कर दिया, तड़के उठा, एक बार नहीं, एक थोड़ी दूसरे दिन एकदम उठा, एकदम उठा परमेश्वर का आज्ञा को। फिर उन्होंने आगे आप देखे उसका 5वां पद पढ़िएगा। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। देखिए, अपना पत्नी को बोला नहीं, पत्नी को क्यों नहीं बोला, 9 महीने इंतजार करके लेके आओ बेटे, बेटे को बोले वो प्रभु ने बोला बेटे को बलि करना, तब सारा आप कहे नहीं, ये तो नहीं हो सकता, तुमको क्या मालूम है कितना दर्श है, इसलिए पत्नी को बोला नहीं, हम लोग जाकर बेली करके आता है, जाओ तुम इधर बैठे रहो, ज्यादा पूछने का समय नहीं दिया क्योंकि सुबह रहे ही निकल गया, और थोड़ा देर में जाएगा तो किधर जा रहा है, क्या करने जा रहा है, हैं? बहुत कुछ सवाल पूछेगा नहीं पूछेगा, तो इसलिए मेरे ख्याल में सारा नींद से उठते ही हो गए, रसाई उठकर, क्योंकि उधर भी सर्दी सर्दी का इलाका है, रसाई उठकर देख रहे थे तो अपना बोले अजी सारा हम लोग जा रहे हैं, तुम सो जाओ हम लोग जा रहा है, अगर थोड़ा देर से जाएगा तो किधर जा रहा है, रोटी ले जाओ, पानी ले जाओ, बच्चे के लिए कुछ ले जाओ, दूध भी ले जाओ या खाने के ले जाओ, मौका ही नहीं दिया, सुबेरे ही निकल गया, सारा को ज्यादा सवाल पूछने का मौका नहीं दिया। 3 दिन सफर दिया प्रभु ने, 3 दिन क्यों, ये 3 दिन का पीरियड क्यों रखा, अब्राहम के अंदर परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने का मन होता है नहीं, मन होता नहीं, पीछे हटने तो हटो, समझे आया, आर 3 दिन जल्दी जल्दी में होते तो हो जाता, प्रभु आपको कोई बात बताता है बीच में टाइम देता है, क्या आप पूरा आज्ञा पालन करने के लिए तैयार होता है या नहीं, थोड़ा सा आपको उसका दर्द भी मालूम हो जाए। फिर पहाड़ के पास आ गया तो नौकरों को बोला इधर रहो, नौकरों को क्यों उधर रखा, बाद में बेटों को बेटे को बेली करने के लिए जाते वक्त नौकर लोग उनके लिए क्या करेंगे, रुकावट डालेंगे, बाधा डालेंगे, तो मुझे परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने के लिए हालेलुया मेरा पत्नी को मैं रुकावट डालने नहीं दूंगी, नहीं दूंगा,
नौकरों को भी मैं क्या नहीं दूंगा, मौका नहीं दूंगा। फिर उसके बाद उसका नौवा पद पढ़िएगा। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। वेदी बनाने के लिए पत्थर उठाने के लिए कौन कौन मदद किया होगा? बेटा भी मदद किया होगा, लकड़ी रखने के लिए भी बेटा मदद किया होगा। बाद में बेटे को बांध लिया क्यों? बाप ऐसा चाकू उठाते समय में बेटा ने ले, बाप आप क्या कर रहे हैं? नहीं बोलना, बेटा तुम भी मुझे रुकावट नहीं डाल सकता। और उसका दसवां आयत पढ़िएगा। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने बस छुरी भी उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे प्यारे लोगों, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं अब्राहम के लिए। अब्राहम क्या किया? कोई भी दुख नहीं किया, छुरी उठाया उसको क्या करने के लिए? बलि करने के लिए। अपना तारा, तारा का मम्मी कहां बैठे? इधर है, इधर है ना तारा का मम्मी, बेटी तारा जो नेपाल का तारा का मम्मी किधर है? हाँ मम्मी इधर बैठी है। सुनो, मैं तारा बेटी के लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। दिल्ली में मीटिंग चल रहा था, उनको सांप काट दिया। मुझे रात को मालूम हो गया, मैंने जाकर प्रार्थना किया। मैंने बेटी को बोला, बेटी दवाई खाएंगे? नहीं पापा, मुझे दवाई नहीं चाहिए। फिर मैंने उनका पापा को बोला, पापा पापा देखो इनको दवाई। पापा भी उनका भाई गुबेर बोला, देखो बेटी तुमको अस्पताल में ले जाता हूं। उन्होंने बेटी उनको बोला, अभी आप इतना प्रभु का वचन जानने के बाद अस्पताल में जाना है? उन्होंने अपना पापा को भी डांटा। उसी रात मेरे गोद में उन्होंने अन्य भाषा, बेहोश होते समय में अन्य भाषा बोलते बोलते बेहोश हो गई। वो तारा असली तारा बन गई। क्या बन गया? असली, आज स्वर्ग में चमक रही है। नेपाल के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। मैं प्रभु का कितना धन्यवाद देता, कितना धन्यवाद देता उस छोटी बेटी के लिए, उनका भी ईमान के लिए। मैंने भी बोला, बेटी अस्पताल में जाए? नहीं 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 जाना। पर उनका पप्पा भी जोर लगाया, नहीं। हालेलुया, मेरे प्यारो, परमेश्वर बार बार आपके पीछे पड़ा होकर मनाओ मनाओ नहीं। परमेश्वर अब्राहम को बोला, तुम्हारा प्यार करने वाला बेटे के ऊपर क्या करो? चूरी लगाओ। तो अपना प्यार करने वाले के लिए, बेटे के लिए भी चूरी लगाने के लिए बोलने वाला परमेश्वर सख्त है। आपको कौन सा मतलब? परमेश्वर प्यारा है, बहुत प्यारा है, मेरा सारी बातों को मानने वाला परमेश्वर है, प्यार से भरा हुआ, दया से भरा हुआ है। वही परमेश्वर बोला, तुम्हारा बच्चे को तो अब हमारा बच्चों को कोई बीमारी आएगा तो फिर माँ कुछ, माँ क्या करता है? मैं अस्पताल में जाने के लिए मैं मना नहीं करता, आप जा सकता है, क्योंकि जब तक आपका समर्पण ठीक नहीं है अस्पताल में जाओ। कुछ लोग क्या अस्पताल में नहीं जाएगा, हाय 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 रोता रहेगा। ऐसा लोगों को एकदम उठाकर मैं क्या करता हूं, चलो अस्पताल में मैं भी जाऊंगा। प्रभु को कुछ देगा तो खुशी से देना, आनंद से देना। जो मैं किसी बीमार आदमी जो परेशानी में पड़ रहा, कैसा उनको शक के साथ देखते हुए, मतलब देखो जल्दी अस्पताल में जाओ, क्योंकि आपके अंदर का समर्पण पूरा पक्का नहीं। समर्पण कैसा पक्का होता है? मौत आते वक्त भी हालेलुया धन्यवाद हो। तो अब्राहम को परमेश्वर अपना बेटे को खुद को काट डालने तो दे दिया। तो अभी परमेश्वर उनको वायदा देता है, उसका 17-18 भी पढ़िएगा। 17, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, हाँ, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण। उसका 16 से पढ़ो। यहोवा की यह वाणी है, हाँ, कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है
कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, हाँ, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, हाँ, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बाल के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, हाँ, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया, मैं प्रभु का बहुत ही धन्यवाद देता हूं। मेरा बेटा रेजी, उन्होंने मरने के 45 दिन पहले प्रभु ने बोला वो मरेगा। एक बार भी मैंने प्रार्थना नहीं किया प्रभु उनको छुड़ाओ। मैं उधर में उस वक्त में केरला में मलबार में बड़ा मीटिंग कर रहा था, रेजी मेरा तर्जमा कर रहा था, अच्छा तर्जमा करने वाला था, अच्छी तरह से बाइबल क्लास पढ़ाने वाला था। प्रभु ने बोला मौत, मैंने बोला प्रभु मैं मरने के लिए तैयार हूं। मीटिंग पद वो मेरा तर्जमा कर मीटिंग करके हम वापस आ रहे थे, मैंने प्रभु मैं मरने के लिए तैयार हूं। प्रभु नहीं, तुम्हारा दामाद रजी जिस जिन्होंने तुमको तर्जमा कर रहा है, मैंने बोला मैं तैयार हूं। प्रभु मीटिंग करके हम लोग नीलीमला में आएगा सोमवार को, उन्होंने खून उल्टी किया, तब मुझे मालूम हो गया रजी मरने जा रहा है। एक तब सूसन इधर बैठी है, उनका उम्र 22-23 साल ही है उस वक्त, नौजवान छोटा सा बेटा टिमू सिर्फ 2 महीने का उम्र का है। उनका बड़ा भाई वो भी पास्टर है, गाड़ी लेकर आ गया अस्पताल में ले जाने। मैंने रजी से पूछा बेटा जाना है? नहीं पापा मुझे बचा लो, जो वचन आप प्रचार करते उसके लिए। उन एक बार भी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया प्रभु इनको चंगा करो, एक बार भी। कितने लोग बोला अच्छी तरह प्रार्थना करने से छुटकारा पाएगा, एक नबी एक नबूवत करने वाला 2-3 लोग और थे और बहन लोग मिलकर आया, उन लोग नबूवत करने लगा जोर से अच्छी तरह से, मांग के मांगेगा तो जीवन मिलेगा। मैंने बोला निकल जाओ इधर से, क्यों? लोग सोचा मैं दूसरा रेजी से, रेजी को हमने प्यार नहीं करता, मेरा रेजी मरने के बाद मेरे बेटी को और किसी के साथ शादी करवाएंगे, ऐसा सोच के लोग। आपको मालूम मरने के बाद हम एक कितने लोग कोशिश किया, मुझे मालूम था। उन्होंने बोला उनका दो साल का बेटे को मैंने, दो महीने का बेटे को मैंने, रेजी ने मुझे बोला पापा इसका नाम देकर आप जाओ। मैंने बोला कौन सा नाम देना? मेरा बेटा रेजी बोला थिमोथी दे दो। हालेलुया, मैंने तिमोथी नाम दे करके दिल्ली में हैदराबाद में आए। उसके बाद मरने का खबर मिलिया तो मैं उस वक्त रोया नहीं, मैं प्रचार कर रहा था। अभी मुझे उन्होंने चले जाने के कारण आंसू नहीं आ रहे, बल्कि प्रभु मेरे से एक छोटा सा तोहफा ले लिया, उसका खुशी का है। प्रभु का धन्यवाद हो। वो मरने के बाद उनका लाश भी 8 दिन उन लोग लेकर रख दिया, कब्जा में करके रख दिया, वो लाश नहीं दे रहे थे। फिर भी मैं नहीं गया, हैदराबाद में ही रहा मेरा पत्नी, फिर उसके बाद उन लोग दिया। तो मेरे प्यारों रेजी चमक रहा है अभी, मेरा बेटी दिल्ली में प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है, मैं भी उनका पाव धोने के लिए योग्य नहीं हूं। मैं आपके सामने बता रहा, इसलिए कल रात को मैं बता रहा था प्रभु इतना अच्छा बेटी को तूने मुझे दिया। शादी के लिए कितने रिश्ते आए, नहीं उन्होंने अपना सेवा पूरा करके प्रभु में पहुंच के आराम कर रहा है। हालेलुया, कितना सौभाग्य की बात है। मसीह जीवन आप लोग जैसा सोचते वैसा नहीं, किम्मत देना है, किम्मत देना है। अब्राहम को अभी आपसे प्रभु कुछ पूछेगा तो आप बोलेंगे नहीं नहीं आप प्रभु ने आपको कुछ पूछा नहीं, आप छोड़कर चले जाएगा भागेगा, नहीं 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 प्रभु ये तो काम नहीं हो सकता। मेरे प्यारो ये मार्ग जय पाया हुआ लोगों का मार्ग है। किस बात में? शारीरिकता का, शरीर का रिश्ते में। हालेलुया, हर बात में ऐसा लोगों को लेने के लिए यीशु आ रहा है। तो मेरे प्यारों बहनों, आपका पति आपका बच्चों के साथ का लगाव को क्या करो, आप पूरा काटो।
वो ही दुल्हन बनेगा, अपना पति का, अपना बच्चों का, अपने बारे का जो लगाव को जो काटेगा वो ही दुल्हन बनेगा। हमारा परमेश्वर टेस्ट करके देखता है ये कौन है। अब्राहम को बोला तुम्हारा बेटे को क्या करो, बलि चढ़ाओ। तो मैं अब्राहम के द्वारा सारे इसराइल लोगों, सारे दुनिया के लोगों को आशीष मिल रहा है, क्यों? बेटे को देने के लिए उन्होंने पीछे नहीं आता। हिंदुस्तान के लोगों को प्रभु आशीष देना चाहता है, पंजाब के लोगों को प्रभु आशीष देना चाहता है, हरियाणा के लोगों को प्रभु आशीष देना चाहता है आपके द्वारा, जम्मू के लोगों को आशीष देना चाहता है आपके द्वारा। तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा है, कीमत देना पड़ेगा। हम क्या, हमने सोचा इस बहनों का मीटिंग में आकर थोड़ा आशीष पाकर शैतान से लड़कर बेटे को भी संभाल कर रखेंगे, पति को भी संभाल कर रखेंगे, हम सब नरसिंगा फूंकते समय में वो बेटा तैयार है बेटे को कंधे में रखेंगे, पति तैयार है तो पति को हाथ पकड़ेंगे, माँ को, सबको सब स्वर्ग से प्रभु हेलीकॉप्टर भेजेगा, हम उसमें बैठकर हम आगे आए, यह काम होने नहीं है। जब नरसिंगा पूंगेगा नस्तिक बैठा हुआ अभी मालूम नहीं रहेगा, आंग बंद करके खोलने के अंदर क्या होगा, अभी क्लास चल रहा है, बीच में यीशु आ गया, आप देखे मैं तो कुछ बोलती है थोड़ा, किधर गया सामुएल, किधर गया, टाई पहन के बैठा हुआ था, टाई और कोट इधर पड़ा रहेगा, मैं अपना घर में जाएगा। हालेलुया, दिन बहुत नस्तिक है। आज इस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट टेल अवीव में है, उन्होंने पालेस्तीनियों के साथ भी बात करने जा रहा है। मैं आज दोपहर को खबर सुना टेलीविजन बीबीसी में आया, मैंने देखा उसको, देखते समय मैं सोचा अभी शायद ये 10 दिन का क्लास, ये बाकी 10 दिन का क्लास भी इधर पूरा होगा मालूम नहीं। यीशु की आमद इतना नस्तिक हो गया, सारे बातें वचन के अनुसार पूरा हो रहा है। मैं आपसे विनती करता हूं, अपना तैयारी पूरा करो, अपना मन का लगाव पति के लिए लगाओ, पत्नी के लिए लगाओ, बेटे के लिए लगाओ, बेटी के लिए लगाओ, वो सारे निकल करके शुद्ध हो जाओ। प्रार्थना शुरू, जिसको ये वचन स्वीकार करने का मन है स्वीकार कर लो। अब्राहम का बोला तुम प्यार करना तुम्हारा बेटा, तुम खुद बलि करना खरा दला, यह है त्यागना, शाबाला हत्तिना। यह त्यागना का उपदेश अभी शुरू नहीं हुआ, दुनिया की बुनियाद से शुरू है। तुम खुद बलि करना, इसमें मालूम हो जाता है कितना त्याग का। अब्राहम को परमेश्वर ये नहीं बोलता मैं तुमको, वो बच्चा का सर तुम खुद बलि करना, खड़ा कर, यह है त्याग। त्याग ना का उपदेश आज शुरू नहीं हुआ, दुनिया का बुनियाद से शुरू है। हिंदुस्तान परमेश्वर को, हिंदुस्तान देख रहा है कौन है परमेश्वर। उस वक्त परमेश्वर को जाना हुआ कुछ लोग निकल कर खड़ा हो जाए। हिंदुस्तान ढूंढ रहा है परमेश्वर कौन है, नेपाल ढूंढ रहा है परमेश्वर कौन है। उनके बीच में कहानी नहीं चलेगा, परमेश्वर को जानने वाला। आमीन। अपने अपना कमरे में जाकर प्रार्थना करें। अभी प्रभु का दास नीरज प्रार्थना करके सभा को समाप्त करेंगे।
हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के समय प्रभु आपने एक बार फिर से प्रभु अपने वचन के द्वारा अपने दास के जरिए से हमसे बातचीत किया प्रभु, अपना वचन देकर प्रभु जी खुदावन हमें सिखाया, प्रभु जी खुदावन हमें प्रेरणा दिया प्रभु, आपके वचन के गहरे और सही भेदों को प्रभु हम पर प्रकट किया है ताकि प्रभु हम तेरे उस आमद के लिए तैयार हो जाएं प्रभु, जो निशाना था इस दुनिया में हम देख रहे हैं प्रभु, सब कुछ तेरे वचन के अनुसार पूरा होता जा रहा है प्रभु। होने दीजिए कि हम में से प्रत्येक जन प्रभु तेरी आमद के लिए तैयार हो जाएं प्रभु, हमें से हर एक को त्यागते हुए अपने क्रूस को उठाकर प्रभु खुदावंत खेमे के बाहर चलने के लिए प्रभु, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने के लिए प्रभु, हमें से प्रत्येक को प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए आप कृपा दें प्रभु जी खुदावन। होने दीजिए खुदावन हम आपके प्रेम को जाने, हम आपको जाने प्रभु जी खुदावन, और संसार और मिटने वाली हर एक चीज को त्यागते हुए प्रभु जी, जो इस संसार और नाश होने वाली चीजों को त्याग हमारे सामने समस्या आता है, हर समस्या में हम परमेश्वर को जानने के लिए हमको मौका मिल जाता है। अभी उस परमेश्वर का नाम के बारे में थोड़ा सीखें। नाम उसके लिए निर्गमन 3:13 उसका 13-14 पढ़े, निर्गमन 3:13 उसका 13-14 पढ़े। परमेश्वर का नाम के बारे में निर्गमन 3:13 उसका 13-14 पढ़े। हाँ, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इसराइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊँ। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इसराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। थोड़ा आप इस बात को समझेंगे, थोड़ा सा और प्रार्थना करो, आपका दिमाग में यह बात बैठना है, छोटी बात नहीं, समझने के लिए आपका और थोड़ा सा दिमाग क्लियर होने के लिए प्रार्थना करें। आपका बुद्धि और साफ होने के लिए हालेलुया। पवित्र आत्मा से बोले, पवित्र आत्मा मुझे बात समझने के लिए फसल दे। हालेलुया। प्यारे प्रभु, वचन समझने के लिए एक एक को बुद्धि को और खोल दे, यीशु के नाम। देखिए, परमेश्वर का नाम के बारे में सीखते समय में हिंदुस्तान में रहने वालों को ऐसा चिंता आता है, परमेश्वर के लिए भी परमेश्वर को भी कोई नाम है,
मुसलमान लोग अल्लाह करके पुकारता है, उन लोग उनका मुसलमान का बड़ा भाषण देने वाला उनका लीडर अल्लाह का शब्द लेते हुए दुनिया में बोलते हैं गॉड है, तो गॉड के लिए गॉडस कहता है, एक से ज्यादा गॉड्स ऐसा कह सकता है, तो इसलिए हमने अल्लाह नाम रखा है, अल्लाहु अकबर ऐसा बोलकर उन लोग बड़े भक्ति के साथ बोलते हैं। अल्लाह परमेश्वर का नाम नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं उर्दू में परमेश्वर का नाम अल्लाह है, उर्दू में अल्लाह नहीं खुदा है। तो अल्लाह एक जादूगर का नाम है जिसके पास मोहम्मद जाते थे, वो जादूगर अरब पांथियन वो जादूगर था, उसका उसको पत्नी भी था, उसका पत्नी का नाम है लोथ। अल्लाह एक जादूगर, उनका पत्नी का नाम लोथ, उनका उनको दो बेटी भी थे, दोनों बेटी बेटियों का नाम एक हलुसा और दूसरा अलमानात, हलुसा और अलमानात। तो मोहम्मद ये जादूगर के पास जाकर उनका शक्ति को देकर प्रभावित हो गए, इसलिए अल्लाह पुकारना उनका शक्ति को पुकारना शुरू किया। अल्लाह का मतलब खुदा नहीं है, तो इसलिए आप कोई भी अल्लाह का नाम मुंह में नहीं लेना, वो परमेश्वर का नाम नहीं है। तो इधर में मूसा परमेश्वर से पूछ रहा है, उन लोग आपका नाम पूछते समय में हम क्या कहें, दोबारा पढ़िएगा वचन 13 और 14, निर्गमन 3:13-14। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तभी यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? हाँ, क्या नाम है, क्योंकि मिस्र में जितना देवता है उनके लिए नाम है, और उस दिनों में गैर कौम के बीच में जितना भी शक्ति है उनको सबको अपना अपना नाम। हिंदुस्तान में भी हम देखें शिव है, राम है, किशन है, मोहम्मद है, बुद्ध है, अलग अलग नाम है। तो उन लोग पूछे आपका नाम क्या है, हाँ, तो मूसा ने पूछे उन लोग पूछे उसका नाम क्या, क्योंकि उस वक्त भी लोग बहुत शक्तियों को परमेश्वर के तौर पर मानते हुए बोलते थे। हाँ, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, माई जो हूम सो हूम, आई एम दैट आई एम, हाँ इंग्लिश में आई एम दैट आई एम, जो हूम सो हूम। हाँ, फिर उसने कहा, तू इसराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हाँ, देखिए अभी इस बात को समझने के लिए आप लोग अपना दिमाग को थोड़ा सा और आत्मा के द्वारा समझना, ये नाम का जरूरत क्या है, क्यों है नाम, अलग अलग नाम। मेरा नाम सामुएल है, इधर में बैठा हुआ, इधर में नीरज बैठा है, इधर में नीलम बैठी है, एमी बैठी है, सुसन बैठी है, नीचे पीछे पास्टर किसको बैठे हैं, और पास्टर अंशराज बैठे हैं। नाम किस क्यों चाहिए हमको, बोलो, हैं? पहचानने के लिए नाम चाहिए। पहचानने का क्यों जरूरत पड़ा, हैं? पहचानने का जरूरत इसलिए पड़ा, अब रिकॉर्ड करना, तो हमको अलग अलग नाम इसलिए दिया गया है कि हम लोग बहुत है, एक नहीं बहुत है, तो इसलिए नाम पहचानने के लिए चाहिए। तो हम जिस परमेश्वर का आराधना करता है वो बहुत नहीं है, सिर्फ एक ही है, इसलिए उसको पहचानने के लिए कोई नाम का जरूरत नहीं है।
ये बात समझ में आया। राम किशन अल्लाह मोहम्मद बहुत है, इसलिए उनको अलग अलग नाम चाहिए। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक ही है, उसको पहचानने का कोई जरूरत नहीं। एक से ज्यादा हो तो ये पलाना ये पलाना, जब एक ही है तो पहचानने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए मूसा पूछते हैं आपका नाम क्या है, तब परमेश्वर कहता है मैं जो हूं सो हूं। बहुत बाइबल पंडित लोगों को भी ये बात मालूम नहीं, उन लोग मोहम्मद के या अल्लाह के वक्ता अल्लाह का जो बोलने वालों के साथ में लड़ते रहता है, ये है नाम है। आपको मैंने रोमन कैथोलिक लोग 2.5 साल मुसलमान के साथ में बातचीत करते करते उन लोग रोमन कैथोलिक पोप भी यह अंगीकार किया है खुदा का दूसरा नाम या परमेश्वर का दूसरा नाम अल्लाह है, स्वीकार किया। लेकिन आप समझे, जिस परमेश्वर का हम सेवा करता है, जिसके हम आराधना करते हैं, उसका कोई नाम नहीं है। तो फिर आप पूछेंगे परमेश्वर क्यों, यहोवा क्यों? उसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं। अभी मैं इधर बैठे हैं, मेरा बेटी इधर बैठी है, मेरा फिनी का पत्नी भी, मेरा बहू भी इधर बैठे हैं। मेरा बेटी के लिए मैं पापा हूं, आपके लिए मैं पास्टर हूं या सेवक हूं, सिखाने वाला हूं। तो मेरा बेटी मुझे, मैं उनका बाप होने के कारण मुझे पापा बुलाता है, मैं वही पापा हूं। लेकिन आपके लिए मैं कौन हूं? सेवक हूं। लेकिन इसके अलावा मुझे एक नाम भी है, सामुएल। इधर में आप में कोई है मुझे सामुएल इधर आ जा बोलने का हिम्मत रखने वाला कोई है इधर में? क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि आप मेरा बराबर में नहीं है। लेकिन मुझे सामुएल करके पुकारने वाला बहुत लोग है, मेरे रिश्तेदार मुझे जानने वाला बड़े बड़े लोग बहुत है, मुझे सामुएल करके पुकार सकता है। लेकिन आप लोग मुझे सामुएल करके नहीं पुकार सकता, क्योंकि मैं आपके बराबर में नहीं है। तो मेरे बराबर या मेरे ऊंचे रहने वाला मुझे क्या क्या बोलेगा? उन्हें मुझे पापा नहीं बोलेगा, मुझे पास्टर नहीं बोलेगा, सामुएल इधर आ जाओ, या ब्रदर सामुएल बोलेगा, सामुएल इधर आ जाओ। क्यों? इसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारने के लिए, परमेश्वर का नाम हम लेते वक्त हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलते हैं। आज हमें कुछ नाम, कुछ पदवी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो उनका नाम नहीं है। इमानुएल बोलते हैं, उनका नाम इमानुएल नहीं है। ऑलमाइटी गॉड बोलते हैं, उनका नाम ऑलमाइटी गॉड नहीं है। तो आप इतना समझना, प्रभु बोलता है नाम से पूछते हो, माई जो हूं सो हूं। तो मुझे कोई नाम का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरा बराबर में कोई है ही नहीं। प्रभु बोलता है मेरे अलावा और कोई नहीं। यह बात आप थोड़ा सा लिख लो आपका आपका बाइब, ताकि ये नाम को शैतान बहुत लोगों के बीच में ताकि इस नाम का आप अच्छी तरह लोगों को समझ आ सके। इसके साथ एशिया 45:5 भी पढ़िएगा, एशिया 45:5। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। मैं यहोवा हूँ और कोई परमेश्वर है नहीं, मुझे छोड़कर और कोई नहीं। तो जब हमको पहचानने का जरूरत पड़ता है, तब क्या किसका जरूरत पड़ता है? अलग अलग नाम का।
तो कोई आपसे पूछे, आप लोग देखिए ये बात बहुत आएगा, आप लोग जो सेवा करते समय बहुत आपके सामने ये बात आएगा, उसका नाम क्या है, आप बोलेगा उसका नाम यीशु है, लेकिन उसका नाम यीशु नहीं है। यीशु का नाम पापों से छुटकारा देने के कारण क्या, अभी छोटा बच्चों को पूछे मुझे, मैं पूछे आपका नाम, मैं उनसे पूछे आपको मालूम है मेरा नाम, वो बोलेगा पापा है, क्योंकि बाकी लोग मुझे पापा बुलाते हुए वो बच्चे लोग क्या सोचते हैं, पापा बुला, बोला बेटा मेरा नाम क्या है, आपका नाम पापा है, ऐसा आपने आपने भी सुना होगा। तो आप लोग इसी मुताबिक बोले उसका नाम क्या है, यीशु है। यीशु का नाम हमारे पापों से हमको छुटकारा देने के लिए वो नाम दिया गया है, लेकिन असली नाम वो नहीं है, असली में उनको कोई नाम नहीं है। आपने बताना है वो सर्वशक्तिमान है, उनके बराबर में कोई ना होने के कारण उनका कोई नाम का जरूरत नहीं है। इसलिए भाई बोलता हूं माई जो हूं सो हूं, ये बात आपका दिल के अंदर, ये शैतान इस बात में बहुत खेलता है ताकि लोगों को असली बात मालूम ना हो। तो आपसे कोई पूछे उस भगवान का नाम क्या है, तो आप बोलना है शिव को नाम है, राम को नाम है, तो उनके बराबर में उनका लेवल में बहुत तेरा होने के कारण उनका नाम होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर अकेला है, उनके उनके जैसा और कोई नहीं है, उनका बराबर में कोई नहीं है, उनको नाम लेकर पुकारने का हिम्मत वाला भी कोई नहीं है, हिम्मत वाला कोई है, कोई नहीं, इसलिए उनका नाम का जरूरत नहीं है। लिखो ये बात, आप लिखो, मैंने आप इसको नाम का कोई जरूरत नहीं। इसलिए मूसा बोलते तो आपका नाम क्या है, तो परमेश्वर बोलते आई एम दैट आई एम, माई जो हूं सो हूं, कोई नाम का जरूरत नहीं, माई जो हूं सो हूं। आपने नोटबुक में लिख कर रखिएगा ताकि आपके लिए बाद में फायदा हो जाए। अभी हाँ लिखकर जल्दी, लिखने के बाद जल्दी इधर देखिएगा। अभी मत्ती सुसमार 21 का 1 से 3 तक पढ़िएगा, मत्ती 21 का 1 से 3 तक। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वे तुरंत उन्हें भेज देगा। प्रयोजन है करके वो भाषा सही नहीं है, परमेश्वर को प्रभु को इसका जरूरत है। देखिए जो हुम सो हुम, वो क्या कैसा करता है, उधर में एक गधा के बच्चे को बांधा है, उधर जाकर उनसे पूछकर खोलकर आओ करके बोला है, नहीं प्रभु तो तुम जाओ उसको खोल कर ले आओ। अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलना है, प्रभु को इसको जरूरत है इसलिए ले जा रहे हैं। इधर में प्रभु का अधिकार प्रकट हो जाता है, उनको किसी से कुछ पूछने का जरूरत नहीं है। जो हुम सो हुम, उसके बराबर में कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना अधिकार चलाता है, उसका अधिकार चलाने के लिए किसी का इजाजत का जरूरत नहीं। प्रभु ये नहीं बोलते उनसे जाकर पूछ लेना खोल सकता हूं, प्रभु को इसको चाहिए, नहीं जाओ खोलो, अगर तुमसे कोई पूछेगा तो बोलना ज्यादा नहीं, प्रभु को इसका जरूरत है इसलिए ले जा रहा हूं।
यह प्रभु का जिस परमेश्वर का पीछे चल रहा है वो कौन है करके समझेगा तो सेवा में भी आपको बहुत दिलेरी मिलेगा। आप बहुत दिलेरी और अधिकार के साथ आप सेवा कर सकेगा। बहुत तेरा मनुष्य इधर उधर बांधते हुए हैं, कुछ लोग शराब के नशे में बांधते हुए हैं, कुछ लोग मूर्ति पूजा के नशे में बांधते हुए हैं, अलग अलग जगह में शैतान उसको बांध के रखा है। हम क्या करना है, उनको जाकर चाहे कोई धर्म का हो खोल कर लाना, परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार खोल कर लाना। ये नहीं हम लोग क्या करते अपना बुद्धि का बात चलकर तुम मानता है तुम ज्यादा नहीं, हमारा अधिकार इस्तेमाल करके उन शक्तियों से उनको छुड़ा कर लेके आना। प्रभु उनको भेजता जाओ खोल कर लेके आओ, कोई पूछेगा तो बोलो परमेश्वर को इसका जरूरत है, प्रभु को इसका जरूरत है। लिखो जल्दी जल्दी नोट करके, लूका 22 का 7 से 12 तक पढ़े, लूका 22 का 7 से 12 तक। उधर भी एक बात प्रभु बताता है। हाँ, तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसा का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसा खाऊं। हाँ देखिए, प्रभु उनको बोलते है, गुरु कहते हैं पाहुनशाला कहाँ है, या तुम्हारा घर में मेरे लिए जगह है करके नहीं पूछ रहा, बल्कि कहाँ है वो जगह, तुम्हारा घर के जगह मुझे मिलेगा करके पूछेगा और कहाँ है इसमें फर्क है। तुम्हारा घर में मैं पसगा के लिए तैयार खा सकते है बोलना, या कहाँ है वो जगह पूछना, इसमें फर्क है। कहाँ है इसका मतलब अधिकार है, मैं कर सकते तो कहाँ है। तो हमारा प्रभु का काम कोई बिंदी से नहीं होता, इसके लिए साइकोलॉजी नहीं चाहिए, मीठा मीठा करके उसको करने का भी जरूरत। हम आजकल बहुत तरह लोग यीशु का नाम बहुत मीठा मीठा करके प्रकट करना शुरू करता है, पहले सदी का लोग भी ऐसा कोई मीठा मीठा करके कहीं नहीं है, नहीं कहीं नहीं किया, बल्कि अधिकार के साथ करते थे। पूछे वो पहनशाला कहां है, लिखो आपको इतना ही जरूरी है, ज्यादा और ज्यादा आपका जरूरत नहीं है, इतना थोड़ा सा कुछ आप समझना है। और इसके बाद लूका 13 का 31 और 32 पढ़ो। उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहाँ से निकलकर चला जा क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख मैं आज और कल दुष्टात्मा को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। देखिए इधर में हेरोदेस उधर का राजा है, उन्होंने इसके पहले यूहन्ना को मार डाला यहूदियों को खुश करने के लिए, उन्होंने सोचा यीशु को भी क्या कर देंगे मार डालेंगे। तब यीशु ने क्या बोला, बोला हुआ शब्द बताओ थोड़ा। हाँ पढ़ो पढ़ो उधर में पढ़ो। उसने उनसे कहा, हाँ जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख मैं आज और कल दुष्टात्मा को निकाल। राजा को क्या नाम लाकर बुला रहा है, लोमड़ी, जाके लोमड़ी को कह दो। अधिकार का सेवा,
मेरे प्यारो, हम प्रभु की सेवा करते समय में डरते डरते नहीं करना, अधिकार के साथ सेवा करना। आप सोचिए, उनका चेलों को ये गदा के बच्चे को खोलने के लिए भेजा तो उन लोग कैसा गए होंगे, कैसा गए होंगे? हाँ, पूछेगा तो क्या होगा, पैसा किधर है? नहीं, खोल कर लाना। यही बात प्रभु यीशु मसीह बताया मत्ती सुसमार 28 का 18 से 20 तक पढ़िएगा, मत्ती 28 का 18 से 20 तक। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, हाँ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, हाँ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, हाँ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, हाँ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है, जाकर लोगों को क्या करो, चेला बनाओ, अधिकार का सेवक आइए। बिंदी करके बिंदी करके, बहुत बार हम बिंदी करके बिंदी करके बिंदी करके, नहीं भाई, ये अधिकार का सेवक आइए। अधिकार के अधिकार से छुड़ाना, लेकिन अधिकार में ले जाकर तुम बपतिस्मे उसको पानी में नहीं डुबाना किसी को। चलो ये वचन लिख दिया, चलो भी अब 10 को लेकर मैं देखो यीशु का अधिकार दिया, तुमको पानी में डुबा देता हूं। यीशु का ये अधिकार किसके ऊपर इस्तेमाल करना है? उनको कब्जा करके रखा हुआ शक्ति के ऊपर, उन शक्ति से चुड़ाने के लिए आप अधिकार इस्तेमाल करना। उसके बाद चुड़ाने के बाद उनका अपना मर्जी के लिए छोड़ना। लेकिन हम क्या करता है, उनको अपना मर्जी का बताते आना चाहते तो आ जाए, लेकिन उनको अधिकार से क्या नहीं करता, उनको छुड़ाता नहीं। जितने शक्तियां लोगों को पकड़ के रखा है उनके साथ मल्लयुद्ध करके लोगों को छुड़ाना। इसलिए प्रभु ने बोला जो स्वर्ग से सामर्थ पाओ, प्रेतों का 1:8 पढ़ो, प्रेतों का 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया, पृथ्वी का छोर तक मेरे गवाह होंगे। क्या करो, लोगों को चेला बनाओ, और उसके बाद उनके मर्जी के अनुसार उनको उनको बपतिस्मा लेना है तो। लेकिन शैतान की कब्जे से छुड़ाने का काम हमारा है, इसलिए प्रभु ने बोलता, हम पढ़ रहे थे प्रेरितों काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हाँ, सामर्थ पाएंगे। ये सामर्थ कहाँ का है? लूका 24 का 49, 24:49 आपको मालूम है, फिर भी पढ़कर आगे बढ़ता। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ। हाँ, यह सामर्थ कहाँ से आया है? स्वर्ग से। तो हम डरकर सेवा नहीं करना है, अधिकार के साथ। मारने के लिए कोई लोग आएगा, राजा आएगा, तो प्रभु यीशु मसीह बोलते वो लोमड़ी को जाकर बता दो। तो हमारा परमेश्वर कौन है करके जाने, आप जान लेगा तो फिर आपको सेवा करने में जाने में कोई परेशानी नहीं रहेगा, डर आपके अंदर नहीं रहेगा। अधिकार के साथ जाकर आप करोगे, अधिकार के साथ करना है। तो अधिकार के साथ करने के लिए क्या चाहिए, आप वो परमेश्वर कौन है करके आप जानना।
तो उसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि उसको लिए नाम का कोई जरूरत नहीं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो शैतान से आप इस हालत से बात करते हो, शैतान कांपेगा, क्योंकि उसके बराबर में कोई है ही नहीं, उनका नाम का जरूरत है ही नहीं। क्या बोलना आपने? उसका नाम का जरूरत है ही नहीं, उनका बराबर में कोई नहीं। नाम तभी जरूरत पड़ता है जब पहचानने का जरूरत होता है, जब एक से ज्यादा होता है, छोटा है बड़ा, यह छोटा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर बोलने का जरूरत है, उसके बराबर में कोई है ही नहीं। तो इसलिए आप सेवा के लिए जाते समय में, चाहे काली हो, चाहे शिव हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे अल्लाह हो, सबको पकड़कर नाक रगड़ाना, नाक रगड़कर बोल छोड़ो इनको। इसलिए प्रभु बोलते हैं बुद्धि का काम, बुद्धि करते हो तो आप बुद्धि किसको देंगे? आप शैतान को बुद्धि से लड़ सकते हैं आप? शैतान का बोले शैतान ऐसा घूमना ऐसा घूमना, शैतान के ऊपर सिर्फ शक्ति ही कार्य करता है, शैतान के ऊपर बुद्धि कोई कार्य नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं बुद्धि का सेवा हमको नहीं चाहिए, आत्मा का सेवा, आत्मा में अधिकार। लेकिन आप लोग बहुत लोग कोशिश करता क्या है, कोई थोड़ा सा बुद्धि बुद्धि में थोड़ा नहीं, आत्मा का अधिकार, आत्मा का अधिकार का सेवका ही। तो शैतान के साथ से छुड़ाने का तो बुद्धि का काम नहीं, आत्मा का अधिकार से जाकर तोड़ फोड़ करके निकालना है, शैतान का गढ़ में जाकर। इसलिए पौलुस बोलता है दूसरा कोरिन्थी 10:3 से पढ़िएगा, 3:4 पढ़िएगा, दूसरा कोरिन्थी 10:3-4। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। गढ़ों को, अभी हमारा काम क्या है? बहन लोग, अनपढ़ बहन लोग या पढ़े लिखे बहन लोग, जाकर गढ़ को क्या करना है? तोड़ना है। जिधर जिधर शैतान जाति का गढ़ बना के रखा है, ऊंचे जात छोटे जात ब्राह्मण समाज, उसका गढ़ को तोड़ना है, फिर लोगों को अंदर आने के जिसको मन है वहां जाएगा। गढ़ को तोड़ने से भी सब लोग नहीं आएगा, कुछ लोग आएगा, लेकिन गढ़ को तोड़ना है, अड्डे को तोड़ना है। शैतान उनको रीति रिवाज के गढ़ के अंदर बांध के रखा है, शरीर की इच्छा का गढ़ के अंदर बांध के रखा है, नाम ऊंचे नाम का गढ़ के अंदर बांध के रखा है, बरादरी का गढ़ में बांध कर। आपका काम क्या है? वो गढ़ को क्या करना है? तोड़ना है। एक गढ़ को तोड़ने के लिए एरियो किलो को तोड़ने के लिए क्या किया? उन लोग उसके चारों तरफ चलता रहा, उन लोग उसके लिए बिल्ली गंदी बेलचा लेकर नहीं आया, चारों तरफ के तो पूरा किला क्या हो गया? नीचे चले गए। आपको मालूम है आप इतिहास देखते समय में पूरा किला क्या हो गया? एकदम नीचे को गया, गिरकर उधर जाने से लोग मना था। वैसा ही किला ऊपर देख रहा था। अभी पिछले दिनों में साइंसदान ने उधर खुदाई करके देखो तो नीचे तक बुनियाद दिखाई देते एरियो का। क्या है उस वक्त किला पूरा किधर चले गए? किला बाहर को गिर गया तो किसके ऊपर पड़ना था? लोगों के ऊपर, इसराइलियों के ऊपर। अंदर पड़ गया तो उन लोगों के ऊपर। इसलिए किला क्या हो गया? वैसा ही नीचे चले गए। हालेलुया, इतना शक्ति है हमारा परमेश्वर का। तो हिंदू कौम का किला, मुसलमान कौम का किला को, ईसाई कौम का किला, रोमन कैथोलिक का किला को क्या करना है? आप हैं आत्मा का बल से, चाहे जैन का किला हो चाहे किसी का हो, तो उसके लिए बुद्धि नहीं चाहिए, इंग्लिश नहीं चाहिए, हिंदी नहीं चाहिए, पंजाबी नहीं चाहिए, आत्मा का शक्ति चाहिए। आत्मा का शक्ति से आप लोग बहुत हो, आप लोग जब तो यीशु के लिए गवाही दे दो तो मुझे हिंदी नहीं आता, मुझे पंजाबी नहीं आता। भाई प्रभु का कलाम सुना है कि हिंदी पंजाबी नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए?
आत्मा का, प्रभु ने ये नहीं बोला ओ तो मैं जाने के बाद बाइबल स्कूल चलाएंगे, बाइबल स्कूल में जाकर एक एक साल पढ़ना, पढ़ने के बाद थोड़ा सा आपको मिलेगा फिर जाकर पहरा सेवा करना, ऐसा बोला है, है? प्रभु ने बोला मैं जाऊंगा, मैं जाने के बाद तुमको पढ़ाने के लिए कुछ लोगों को भेजूंगा, तुम एक साल जाकर क्या करना, बाइबल स्कूल में पढ़ाई करना, फिर मेरा नाम प्रचार करने के लिए जाना, ऐसा बोला है। प्रभु ने बोला शक्ति पाओ। देखो पहले सदी का लोग इतना स्कूल वगैरह नहीं थे, ज्यादातर लोग अनपढ़ थे, एक पौलुस पढ़े लिखे था, बाकी ज्यादातर इधर उधर का अनपढ़ थे, क्योंकि उधर में स्कूल वगैरह नहीं। आजकल तो सबको स्कूल में भेज देता है, आजकल चप्पा हुआ सब चीजें हैं, आप ऐसा नहीं, उन्हीं दिनों में मुंह जबानी कलाम मालूम होता था, लिखने पढ़ने के लिए किसी को आता था, लेकिन उनके उनके पास क्या था, क्या था, आत्मा का शक्ति था। प्रभु इसलिए पौलुस बोलता है प्रभु किसको चुना है, अनपढ़ों को निर्बलों को चुना, ताकि बलवानों को क्या करें, लज्जित करें। उसके लिए क्या चाहिए, बलवान को लज्जित करें, आप मैं निर्बल हूं करके निर्बल होकर चलना है, नहीं, बलवान को निर्बल करते हुए, बलवान के सामने आपका है, मैं अनपढ़ हूं, तुम पढ़े लिखो को शर्मिंदा करने के लिए मैं अनपढ़ आया हूं, नहीं, आपके मुंह से निकलने वाला वचन के द्वारा उनका बुद्धि, कहां से इनको यह वचन आया। तो इसलिए मेरे प्यारों, हमारा प्रभु उसका कोई नाम नहीं है, आज के लिए सत्संग चलाने वाला सब नाम देता है, राधा स्वामी भी नाम देता है, अलग अलग लोग नाम वगैरह देता है, तो उन लोगों का सबका गर्दन पकड़ना है, गर्दन पकड़ कर बिल्ली जैसा चूहे को पकड़ता उसी उतर पकड़कर मारना, थोड़ी देर थोड़ा लड़ाई करो आप लोग, 33 करोड़ को थोड़ा बिल्ली की तरह थोड़ा पकड़ो, 33 करोड़ को बिल्ली की तरह पकड़ो, सब मिलकर गर्दन पकड़कर उसको मारो थोड़ा सा। बहुत देर से हिंदुस्तान को राज्य कर रहा है, 33 करोड़ को नाम लेकर पकड़ो, ये हा राम इधर आ, किशन इधर आ, काली इधर आ, तुमको मैं दिखाता हूं, तुम्हारा ताकत को मैं दिखाता हूं। राम किशन काली इधर आ, मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूं, मैंने किसी से सुना है, यह सच हुआ है या नहीं, लेकिन उसमें से कुछ बात आपको समझ सकता है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। एक बार एक आदमी एक किश्ती में, एक बहुत पढ़े लिखे आदमी को किश्ती में लेकर जा रहा था नदी में, तो नदी में बहुत पढ़े लिखे आदमी को एक छोटा सा किश्ती में पार, बाढ़ के समय था, पार करने के लिए लेकर जा रहा था, तो वो पढ़े लिखे आदमी किश्ती चलाने वाले को पूछा तू स्कूल में गया है तो कितना तक पढ़ा है, उन्होंने बोला देखो मैं तो गरीब आदमी, मुझे स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला, मैं अनपढ़ हूं। तब वो पढ़े लिखे आदमी, देखो तुमने स्कूल में नहीं गया, कुछ भी नहीं पढ़ा, तुम्हारा आधा जिंदगी बर्बाद हो गया, तुम्हारा जिंदगी आधा बर्बाद हो गया। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा तुमको लोगों से कैसा बात करना, वो बात सीखा है, कैसा बात करना, कैसा इज्जत देना है, उन्होंने बोला मैं भी वो भी नहीं सीखा है।
ठीक है तुम्हारा आधा तो पहले बर्बाद हो गया, बाकी जो बचा उसमें से 25 और भी बर्बाद हो गए। और उन्होंने बोला तुमको कितना भाषा मालूम है, कोई भाषा मालूम है लिखना आता है, कोई भाषा बोलने आता है? वो बोला देखो साहब मुझे कोई भाषा नहीं आता, मेरा माँ का उधर से जो देशी भाषा वही थोड़ा कुछ आता है। तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद है सर, क्या करने का है? ऐसा चाहते तो तब पानी का बहाव थोड़ा ज्यादा हो गया, तो वो किश्ती पलट गया। तो वो आदमी क्या कर, उनको ठहरने आता था वो बेच गया, वो पढ़े लिखे आदमी क्या कर रहा पानी के अंदर डूब रहा है। तो उन्होंने पूछा क्या तुमको ठहरना आता है, नींदोलॉजी सीखा है तुमने, नहीं तो क्या हो जाएगा, डूब जाए, वो तो पानी में डूब कर मारा। इसी मुताबिक आपको, आप लोग प्रभु की सेवा के लिए जाते वक्त हो तुमको अंग्रेजी आता है तो क्या सेवा कर सकता है तुम? पौलुस को कितना नाम है, पौलुस कहां का गया पूरा तुमको नक्शा बना के बता सकता है? ओ, तुमको पत्रुस के बारे में, पत्रुस पहले कौन था, बाकी सब बताओ। आप बोलेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन शैतान आते समय आप क्या करेंगे? जैसा दाऊद ने शैतान का और सिंह का क्या किया, मुंह से उस मेमने को निकाला, भालू का बाल पकड़ के केस पकड़ के उसको मारा। तो इसी मुताबिक हमको क्या चाहिए, आपको स्वर्ग का शक्ति चाहिए। तो मेरे बहनों मैं आपसे बताता हूं, चाहे आपको ज्यादा लिखना पढ़ना नहीं आता तो वह शक्ति पाओ, शक्ति का कमी ना रहे। आपके पतियों के पीछे, पति सेवा करने के लिए जाते वक्त आप पीछे बैठकर या उनके साथ जाकर या दूर में बैठकर उधर का खिलों को क्या करो, पूरा खिलों को तोड़ दो। पिले को तोड़ने के लिए आपको कुछ भी सीखने का जरूरत नहीं, आत्मा का बल पाए। तो सीखना भी जरूरी है, पढ़ने के लिए भी कोशिश करना है ताकि लोगों को बताएं। इसका मतलब बिल्कुल पढ़ना नहीं, आप लोग अभी तो पढ़ने वाला, थोड़ा पढ़ने के लिए कोशिश करने वाला, अभी छोड़ना नहीं, पढ़ने के लिए लिखना पढ़ना कोशिश करना है, वो जरूरी है। लेकिन इन सब बातों से बढ़कर कौन सा चाहिए आपको, आत्मा का बल, आत्मा का बल पाना। जो एक वचन पढ़कर आपको, एक का पहला कोरिन्थी 1:26-29 तक पढ़िएगा, पहला कोरिन्थी 1:26-29 तक। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, ज्ञानवान को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हालेलुया। कोई प्राणी परमेश्वर के नाम सामने क्या कर, घमंड ना पाए। तो मेरे प्यारों, मैं अनपढ़ करके बोलने का नहीं, बल्कि पढ़े लिखों से भी ज्यादा आपने क्या पाना है, आत्मा का शक्ति पाना है। आत्मा का शक्ति कौन सा पास्टर के पास है, हैं? कोई पास्टर के पास नहीं, प्रभु के सामने इंतजार करके प्रार्थना करेगा तो प्रभु क्या करेगा, आत्मा का शक्ति से आपको भरेगा, आत्मा का शक्ति से भरपूर होकर आप आगे बढ़ेगा। तो चेलों के बारे में रिपोर्ट कैसा, देखो प्रेरितों का चार का 10-13 तक पढ़िएगा, प्रेरितों का 4:10-13 तक। तो तुम सब और सारे इज़राइली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया
जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हाँ। जब उन्होंने पत्रस और यूहन्ना का हियाव देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। देखिए, पौलोस और पत्रस और यूहन्ना का मूर्खता देखा या दिलेरी देखा? दिलेरी देख रहा हो, क्या कर रहा था? प्रचार कर रहे थे, तुमने वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है, वो बात लेकर बोले। तो उन लोग सोचे इन लोग इतना अनपढ़ लोग हैं, उनका दिलेरी देखा तो उनको मालूम हो गया कैसा ज्ञान मिल गया है। ये किसके साथ थे? यीशु के साथ है। मेरे प्यारो, आप लोग अनपढ़ करके इस बाइबल क्लास के बाद कोई बोलकर नहीं जाना। आत्मा का बल पाकर, आत्मा का शक्ति पाकर, इधर में एक बहन बैठी है, बलविंदर का पत्नी गुरमितो, कभी कभी टेलीफोन से मुझे ऐसा सवाल पूछती है, टेलीफोन से, पापा ये इसका मतलब क्या है, ये क्या? मैंने उनको ऐसा जवाब दिया, मैंने उनका पति को भी बोला, तुम्हारा पत्नी इतना स्कूल में जाकर नहीं पढ़ा है, उनको बाइबल पढ़ना इतना नहीं आता है, तो फिर भी उनको पढ़ने का शौक है, आप इनको पढ़ाओ। तो कितने बार सवाल पूछते, मुझे बहुत अच्छा लगता था, ये इसका मतलब। इसलिए प्रभु आप सबों का बुद्धि क्या कर सकता है? खोल सकता है। उसके लिए क्या करना है? आप हैं प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना करके, प्रभु तू मेरा बुद्धि को खोल दे। तो इसलिए आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हुम सो हुम उनके कदमों में बैठा हुआ है, तो शक्ति पाकर अधिकार का साथ का सेवा करना है। किसका सेवा? जो हुम सो, आपका मुंह से निकलने वाला शब्द देकर, जैसा प्रभु यीशु मसीह उस उनको गधे के बच्चे को लेके आने के लिए बोला, तो कितना खुशी कितना अधिकार के साथ गया, उसी मुताबिक आप लोग भी अधिकार का सेवा करना है। क्योंकि किसका सेवा? ये इसको रोकने के लिए कोई नहीं है, परमेश्वर को इसका जरूरत है करके बोलकर लेके आना। राम रोक नहीं सकता, किशन रोक नहीं सकता, अल्लाह रोक नहीं सकता, मोहम्मद रोक नहीं सकता, क्या है गुरु नानक रोक नहीं सकता, कोई जैन शक्ति को रोक नहीं सकता, कोई राधा स्वामी सत्संग रोक नहीं सकता। अधिकार से बापदेवों को खोलना है, ये काम करने के लिए आप लोग तैयार हैं। अभी आपको 5-10 फायदा होता है, दिलेरी बढ़ता है। बोलो ये वचन बहन लोग कैसा आपको लग रहा है? हैं, कुछ फायदा हो रहा है आपका आत्मिक जीवन में? आगे हम परमेश्वर का अलग अलग पदवी टाइटल के लिए हिंदी में सही शब्द क्या है मुझे मालूम नहीं, टाइटल पदवी पढ़िएगा, उत्पत्ति 17:1-2 पढ़िएगा, उत्पत्ति 17:1-2, उत्पत्ति 17:1-2 पढ़िएगा। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हाँ, देखिए इधर में परमेश्वर का पदवी या टाइटल अलग अलग समय में इस्तेमाल करना है। मैं समझाने के लिए आपको बताता हूं। मान लो वे सूसन इधर बैठे हैं, अच्छी तरह सुनना तभी आपको इसका फेद समझ में आएगा। अभी कोई पुलिस का काम आ गया, पुलिस डराने आया, पुलिस का इंस्पेक्टर आ रहा है, सुपरिंटेंडेंट आ रहा है, तब मेरा बेटी बोलेगा मेरा पापा कैप्टन है, कैप्टन था, तो पुलिस वालों को सामना करने के लिए उनके पास क्या है? क्या है? दिलेरी है, ताकत है। उस वक्त मेरा बेटी है नहीं बोला मेरा पापा पास्टर है नहीं बोलेगा, बल्कि कौन था? है कैप्टन था। फर्क समझ में आया आपको? अभी एक आदमी पापी है, दुखी है, बीमार है,
तो बीमार आदमी के पास मेरा बेटी ये नहीं बोलेगा मेरा पापा कैप्टन था, बल्कि क्या बोलेगा, मेरा पास पास्टर है, सेवक है बोलेगा। समझ में आ रहा है, व्यक्ति एक ही है लेकिन पदवी अलग अलग है। इसी मुताबिक ये बात आप समझना, इसी मुताबिक प्रभु अब्राहम को बोल रहा है मैं सर्वशक्तिमान हूं। उसका बोलने का पीछे का बात क्या है, उस वक्त अब्राहम का उम्र 99 साल हो गया और बोला मैं जो किया हुआ वायदा पूरा करूंगा। अब्राहम को परमेश्वर कब वायदा किया, उत्पत्ति 12 का 1-4 तक पढ़िएगा, उत्पत्ति 12 का 1-4 तक। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय 4 तक ही पढ़ना, उस समय वह 75 वर्ष का था। देखिए, अब्राम को परमेश्वर वायदा दिया तुमको बड़ा कौम बनाएंगे, तब उस वक्त अब्राम को कितना उम्र था, 75 साल। उस दिन से लेकर अब्राहम को बेटा कोई नहीं था, प्रभु ने वायदा किया कौम बनाएंगे, कौम आना तो बेटा चाहिए, बेटे के बेटे ऐसा पुत्र होना तभी कौम बनेगा। लेकिन चलते चलते अब्राहम का उम्र कितना हो गया, 99 साल हो गया। तो का मतलब शरीर का सारा ताकत खत्म हो गया, सारा ही बुढ़ी हो गई, बच्चा अभी पैदा होने का कोई उम्मीद नहीं है। तब परमेश्वर कौन सा नाम लेकर बोलता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तुम्हारा शरीर का कमजोरी को मैं दूर करने का शक्ति रखने वाला हूं। इसी मुताबिक आप अपना शरीर में कमजोर हो जाता है, आपको किसी काम करने के लिए हिम्मत नहीं होता, रुकावट आते, तो तब आप कौन सा नाम लेकर बोलना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हर समय में लोग राम 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 ऐसा नाम लेने वाला नहीं है, हम लोग किशन किशन का नाम लेते वरन, जब आप समस्याओं के सामने आए, जब आपके सामने शरीर कमजोर हो गया या शरीर में कोई बल नहीं है, तो आपको जब ऐसा वाला था, तो अब्राहम को परमेश्वर बोला मैं कौन हूं, सर्वशक्तिमान। तो एक एक मौके के अनुसार परमेश्वर का पदवी को आप इस्तेमाल करना, तब उसमें अर्थ रहता है, तब परमेश्वर भी खुश होता है आपके मुंह से निकलने वाला वो बात को। तो आपको कमजोरी कमजोरी के जगह में यीशु मुझे मदद करने के बोलने के जगह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे हिम्मत दे, ऐसा बोलते वक्त कैसा लगेगा, ये बात को समझते हुए बोले यीशु मुझे हिम्मत दे बोलने के जगह में सर्वशक्ति, ये बात आपका मुंह से निकलते ही आपका कमजोरी क्या होता रहेगा, दूर होता जाएगा, आपका चलने का ताकत नहीं, आप बहुत ही। तो उस वक्त यीशु मुझे मदद करके बोलने के जगह में सर्वशक्तिमान, ये बोलते ही आपके अंदर का विश्वास ईमान क्या हो जाता है, बढ़ता है, अपने आप शैतान भी भागना शुरू होता। अब यह किसका नाम पुकार रहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम पुकार रहा है। तो एक एक समय में हम हमारा पिता का पदवी लेते समय में मौके के अनुसार लेना, तब उसके अनुसार आपको दिलेरी मिलेगा और ताकत मिलेगा। लिखा तो लिखिएगा,
इसी के सर्वशक्तिमान का इब्रानी भाषा में एल शदाई बोलते हैं, एल शदाई। एल शदाई बोलने का मतलब, एल शदाई का मतलब है बिग ब्रेस्टेड वन। उसका असली असली शब्द बोलते क्या है, बिग ब्रेस्टेड वन और ऑल सफिशियंट वन, या सब कुछ उसके अंदर है। बिग ब्रेस्टेड वन एल शदाई, इसका बिग ब्रेस्टेड वन का मतलब बहुत बड़ा छाती वाला, दूध पिलाने का बड़ा छाती वाला, छाती समझ में, बहन लोगों को बच्चों को पिलाने के लिए उनके पास प्रभु ने छाती दिया। तो बच्चे को आप देखिए, आप इस भाषा को समझाने के लिए मैं आपको बताऊं, फूका बच्चा जब रो रहा था तो छोटा बच्चा क्या करता है, किसको ढूंढता है, मां का छाती ढूंढता है। उस वक्त मां का हाथ नहीं ढूंढता, मुंह नहीं ढूंढता, बल्कि क्या ढूंढता है, छाती की तरह। आपने देखा होगा हैं, बच्चा क्या करता है आज से आज से, क्योंकि बच्चे को देखकर क्या हो जाता है दिल के अंदर, हाँ मेरा मां को मेरा छाती मिल गया, अब मेरा फूक क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। तो ऑलमाइट अंग्रेजी में ऑलमाइटी गॉड या सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अंग्रेजी में क्या शब्द है उसके लिए, ऑलमाइटी गॉड। इब्रानी में क्या है, एल शदाई। हिंदी में क्या है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एल शदाई। एल शदाई बोलने का मतलब जितना दूध मुझे चाहिए, बिग ब्रेस्टेड का मतलब बड़ा छाती का मतलब क्या है, जितना दूध मुझे चाहिए उतना मुझे मिलेगा, तसली हो जाता। इसलिए परमेश्वर ऐसा भाषा इस्तेमाल किया ताकि अनपढ़ भी क्या करे, समझ में आए। छोटा बच्चे को अपना, उस बच्चे बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी उनको खाना कपड़ा कुछ नहीं, अपना मां का छाती से लग गया तो वो टूट 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 के तो पेट भर जाता है, खुश हो जाता है, फिर हंसना शुरू हो जाता है। तो इसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलता है, मैं अब्राहम तुमको 99 साल हो गया है, तुमको चल नहीं, मैंने कितने बार, एक बार पिछले दिनों में मैं नेपाल में गए, ये रास्ता भी बंद था, स्ट्राइक था, तो पूरा अपना इनके घर तक पवित्रा के घर तक पैदल चलना पड़ा थोड़ी देर भाई से। तो बीच में आपको मालूम, मुझे मार खाने के कारण ज्यादा तरने का मुश्किल भी होता बहुत, पहले तो मैं बहुत 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर चलने से मैं थकता नहीं था, अब मुझे 40-50 किलोमीटर चलना आसान बात होता, ये जो इतना ज्यादा मार खाने के पहले 40-50 किलोमीटर जाना, मुझे सामान लेके तो मैं आराम से चलता था, मुझे कोई वो परेशानी नहीं होता था। नेपाल में कितने मील चलता था, नेपाल में इधर भी जम्मू कश्मीर में पहाड़ों में कितना दूर दूर तक पैदल चलते थे, लेकिन अब ये मार खाने के बाद में तो फिर मैं और कोई रास्ता नहीं, पूरा ट्रैफिक नेपाल में स्ट्राइक चल रहा है, तो लोग साइकिल लाया, साइकिल में भी जाना मुश्किल है, थोड़ा चलाने के लिए मुझे दर्द होता है, तो चलते 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 एक जगह में जाकर लेट गए तो तब मुझे ये शब्द याद आया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एल शदाई, ऑलमाइटी गॉड। ऐसा थोड़ी देर आंख बंद करके ऐसा करते 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 मुझे शरीर में कैसा महसूस हुआ, ताकत महसूस, फिर उठकर चलना शुरू किया, पूरा पैदल चलकर उधर में, थोड़ा बीच में थोड़ा साइकिल में थोड़ा सा गया, और मुझे रोड में साइकिल चलाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन पगडंडी में आपको मालूम है छोटा छोटा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा जाता है, तो मैं भी खाम जाता हूँ, खिर जाता हूँ खेती का साइड से, तो उधर में फिर साइकिल को थका देकर ले जाते, साइकिल आधे रास्ते में मिल गया, पहले साइकिल नहीं था, आधे रास्ते में भाई गणेश ने किसी उनका दोस्तों के द्वारा इंतजाम किया था, लेकिन मैं जाकर थके हुए लेटा है उधर रास्ते में ही, तो उस वक्त ये वचन मेरे याद में आया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऑल माइटी गॉड। अब्राहम को आप 99 साल की उम्र में आपने कौन सा शब्द बोला है, ऑल माइटी गॉड। ऐसा मैं 2-3 बार बोलते, मैं सर्वशक्तिमान, माइटी गॉड, ऑल माइटी गॉड, एल शदाई,
तो ऐसा बोलते 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 दो तीन बार बोल दिया तो मुझे ऐसा लग रहा मेरा थकावट क्या हो गया, अट गया, मैं उठकर फिर चलना शुरू किया। समझ में आया कैसा किस समय में कौन सा पदवी इस्तेमाल करना है। लिखो, व्यवस्था विवरण 33 का 26 और 27, ड्यूटरोनॉमी 33 26 27, व्यवस्था विवरण 33 का 26 और 27। हे यशुरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है, वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। इधर में मूसा इसराइल के एक एक कपिले को आशीष दे रहा है। मूसा अपना सेवकाई पूरा करने के बाद इस दुनिया छोड़कर जाने का समय आया तो इसराइल के एक एक कबीले को आशीष दे रहा। तो एक एक का नाम लेते समय में अलग अलग तरीके से उनको आशीष दिया। इधर आकर आशेर का उस गोत्र को उस कबीले को आशीष दे रहा है। आशीष देते वक्त उन्होंने प्रभु बोलता है इटर्नल गॉड, अनादि परमेश्वर, अनादि परमेश्वर, और उसके साथ बोलता है तेरा ग्रह अनादि परमेश्वर तेरा ग्रह धाम है, नीचे सनातन पूजा है और शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता है। जब दुश्मन आपके चारों तरफ आ जाता है, शत्रुओं का शक्ति आपको चारों तरफ से तंग करता है, तब आपका मन में कौन सा बात आना है? अनादि परमेश्वर, अनादि परमेश्वर, इटर्नल गॉड। क्यों? शत्रु दुश्मन कभी कभी आता है, लेकिन परमेश्वर क्या है? अनादि है। तो शत्रु दुश्मनों के द्वारा मुझे कोई जरा सा भी मुसीबत नहीं आएगा, इसलिए बोलता है अनादि परमेश्वर, दुश्मन मुझे कोई नहीं कर सकता। जब आपके चारों तरफ दुष्ट का शक्ति आता है, अभी काली का शक्ति आता है या शिव का शक्ति आता है या मुसलमान का कोई शक्ति आता है, तब आप कौन सा नाम लेना है? अनादि परमेश्वर, क्योंकि यह शक्तियां बाद में उत्पन्न हुआ है। यह सच है या नहीं? काली बाकी वगैरह बाद में बना भाई, ये दुष्ट का शक्ति बाद में बना। तो आदि मादा भी कब से बना है? इसके बाद। तो आदि मादा तुम, आदि मादा आपको आपको लड़ने के लिए आता है तो आपने क्या बना? अनादि परमेश्वर मेरा ग्रहता में तुमको मेरे इधर से निकाले को अनादि परमेश्वर का नाम लेना। काली आया शिव आया तो उस वक्त तुम तो 200 साल का है, 300 से या 1000 साल का है या 10000 साल का है, आप उन लोग बोलेंगे सनातन धर्म है, ये शक्तियां पूरा सनातन। तब सनातन धर्म में बोलते वक्त यीशु का नाम नहीं लेना, क्या बोलना है? अनादि परमेश्वर। यीशु का नाम लेगा तो आप ये आदि आदि मादा वगैरह जब आते यीशु के नाम से हर जाता है, लेकिन आपके अंदर से कौन सा नाम निकलना है? अनादि परमेश्वर यीशु, क्या बोलना है? अनादि परमेश्वर यीशु बोलते तो आदि मादा कामना शुरू करेगी। समझ में? तो नहीं तो क्या कभी कभी आप लोग कोई आदि मादा से लड़ा है? मैंने बहुत बार लड़ा है उनको, बहुत
आदिबादा का नाम लेकर बहुत शक्ति आते हैं, लेकिन असली आदिबादा से बहुत बार मैंने लड़ा है। तो आदिमादा से मैं आदिमादा हूं, मैं बोलता मैं अनादि परमेश्वर का बेटा हूं, तब उनका हिम्मत क्या हो जाता है, ओ घुटना टेको मेरे सामने, मैं यीशु के नाम में आते हो। तो आप सच्चाई तुम जानोगे, सच्चाई तुमको क्या करेगा, आजाद करेगा। सच्चाई आपको बताए तो आपका मुझे अनादि परमेश्वर का बेटा मैं आ रहा हूं, तो बोलते वक्त ही आदिमादा क्या क्या हो जाएगी, ये बोलेंगे वो इनके सामने मैं खड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसा अंधकार का शक्तियां आपको तंग करने आता है, दुश्मन आपको तंग करने आता है, जो कोई लोग आपको खड़ा होते, आपने बोला अनादि परमेश्वर का शरण स्थान में मैं रहता हूं, शत्रुओं को उन्होंने मेरे सामने से क्या करेगा, निकाल देगा। हालेलुया, अनादि परमेश्वर, अनादि परमेश्वर मेरा ग्रह था। मैं लिखो, लिख दिया। अभी नेक्स्ट, तीसरा मत्ती 6:25 से लेकर 33 तक पढ़िए। मत्ती 6:25 से लेकर 33 तक पढ़िएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इधर में लिखा हुआ बात है स्वर्गीय पिता, हेवनली फादर, आसमानी बाप, स्वर्गीय पिता, इधर में दिया हुआ पदवी। स्वर्गीय पिता का मतलब क्या है? वो स्वर्ग में रहता है, ऊंचे पर रहता है, उधर से हमारा आरंभ को भी देखता है, अंत को भी देखता है। नीचे रहते तो इतना दिखाई नहीं देता, ऊपर से तो हमारा आरंभ भी देखता है, अंदर भी। तो आपके सामने पैसे का जरूरत पड़ता है, कपड़े का जरूरत पड़ता है, उस वक्त आपके अंदर में ये विश्वास आना, मेरा स्वर्गीय पिता जानता है मैं कैसा चलता हूं। आपने अभी आप लोगों को सबको आने के लिए बोला, आपको किसी को इधर के लिए आटा ले आओ बोला है, थोड़ा थोड़ा कलीसिया से थोड़ा थोड़ा इतने लोगों के लिए खर्चा है, थोड़ा सा खर्चा दे दो, या आप लोगों को सबको इधर मैं फोटो बिटा के फोटो खींचता हूं, कोई अमेरिका में भेजूंगा, ये अभी वीडियो ले रहा है, आप लोगों को किसी को बाद में चाहिए तो देने के लिए, आप लोग बिटा के इधर कोई फोटो लेकर किसी से मांगने के लिए नहीं जा रहे है। आप लोग देखा कितना कन्वेंशन हम चलाते थे, कहीं भी चंदा नहीं लेता, कहीं भी आपको ये नहीं बोलता है आप। फिर मैं एक चिट्ठी लिखता हूं, एक एक अपना अपना ताकत के अनुसार जो बोझ उठा सकते उठा सकता है, एक मौका देता है वो आपका आशीष के लिए। क्यों हमारा जरूर अभी इधर में जम्मू इधर में प्रार्थना भवन में कितने लोग रहता है, एक बार भी इनको खाने के लिए प्रार्थना करो, मकान का किराए के लिए प्रार्थना करो करके एक बार भी बोला नहीं इतने सालों से। अभी भी मैं आप लोग इतने लोग खाने के लिए प्रार्थना, क्यों? मैं ऐसा विश्वास करता हूं मेरा स्वर्गीय पिता को मालूम है, एम शामुएल जिस दिन से जन्म लिया
जिस दिन ये शरीर छोड़कर जाएगा उतना देर तक कितना रुपया उनके लिए खर्च करेंगे वो मेरा पिता को पहले से ही मालूम है, और वो पैसा कहां से आएगा वो भी उनको मालूम है, वो कोई भी रोक नहीं सकता। ये सच है या नहीं है? जो आदि यदि हेवनली फादर स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर ऊपर से नीचे से देखता है, देखकर सारे इंतजाम करेगा, फिर मैं क्यों चिंता करना है। तो हमारा जरूरतों को जरूरत सामने आते वक्त में मुझे दे दे बोलने के जगह में अंदर में मेरा स्वर्गीय पिता को मालूम है ये। तो हमारा जरूरतों को जरूरत सामने आते वक्त में मुझे दे दे बोलने के जगह में अंदर में मेरा स्वर्गीय पिता को मालूम है ये, मेरा स्वर्गीय पिता को मालूम है। तो फिर आपको चिंता नहीं होता। स्वर्गीय पिता इधर में परमेश्वर के बारे में बोलते वक्त आपने कपड़े के बारे में बाकी बारे में चिंता करते समय प्रभु परमेश्वर क्या बोलता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। तो ऐसा जब आते वक्त में आप लोग, मैं कभी भी पैसा का बोझ से दबा हुआ आप लोग कभी देखा है मुझे? देखिए अभी इधर में आप लोग है, कितनी हिंदुस्तान में कितना जगह में सेवा चल रहा है, आंध्रा में किस जगह में ट्रेनिंग चल रहा है, नेपाल में है, फिलीपींस में, चीन में है, कितना जगह का है, कोई बोझ से दबा हुआ नहीं है। क्योंकि कौन है इसका पूरा देखने वाला? स्वर्गीय पिता। यीशु देखता है बोलने से ठीक है, लेकिन असली में उसको क्या बोलना है? जैसा मैंने पहले बोला, अनादि परमेश्वर बोला, उसी मुताबिक आपको कोई जरूरत आते वक्त आप कौन सा नाम लेना है? मेरा स्वर्गीय पिता जानता है, मेरा स्वर्गीय पिता उसको शुरू से लेकर आखिरी तक का सारे बात मालूम है। हालेलुया। इसलिए स्वर्गीय पिता का नाम लेना है। थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है? कब कौन सा पदवी का लेना है? इनका कोई, इनके कोई अगर उसका नाम पूछने से क्या बोले, उनका कोई नाम का जरूरत ही नहीं। जो जो हमेशा का जो सो हूं, जो हूं सो हूं, वो है, कोई पहचाने की जरूरत नहीं। कितना खुशी का बात है। तो कभी कभी आप लोग प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया तो अलग अलग पदवी उनको दिया गया, वो अलग बात, वो अभी सीखने का समय नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ पिता के बारे में समझाना चाहता हूं। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हुम सो हुम, उसके बारे में। तो आपको पैसे का जरूरत या किसी चीज का जरूरत है तो स्वर्गीय पिता मेरे अंदर से चिंता को निकाल दे। स्वर्गीय पिता मुझे दे करके ना बोले, क्या बोलना है? स्वर्गीय पिता अभी बच्चों का फीस आ रहा है, फीस का समय, फीस देने का समय आ गया, बच्चे फीस देने का समय आ गया। मैं आपको बताता हूं, जब मैं उधमपुर में ऑफिसर बनकर रहता था, बेबी और इन लोगों को आपको मालूम है, कभी रोते वक्त मेरा ड्राइवर क्या करता था, इनका गाड़ी में घुमाता था। मेरे ड्राइवर जो सामने हमेशा गाड़ी खड़ा रहता है, कार चाहिए कार है, जीप चाहिए था जीप है, जब भी हमेशा घूमने के लिए बच्चा कोई घुमाए तो फिर फिनी को क्या हमेशा कौन सा मन में लगता था, जो ड्राइवर उनका गोदी में बिठाकर वो स्टीयरिंग में पकड़ लेगा। उस समय में फोटो अभी इधर नहीं है, वो ड्राइवर का गोदी में बैठकर वो क्या करेगा, स्टीयरिंग बैठकर ऐसा ऐसा घुमाता था, हंसता रहता था, रोना पूरा बंद हो जाता था। इतना अच्छी तरह से उधमपुर में अच्छा बंगला जैसा अच्छा जगह में इतना नौकर आगे में रहता था। एक एक बात में परमेश्वर मदद करता चलता था, स्कूल में भी जाने के लिए मुश्किल नहीं होता था। लेकिन जब सेवा में निकल आ गया तो उनको, हमारे पास पैसा इतना नहीं, एक ही जोड़ा कपड़ा था स्कूल यूनिफॉर्म, तो ये स्कूल में जाते जाते थोड़ा थोड़ा सा पड़ता भी है,
तो मेरा पत्नी क्या करते थे, उसको सिलाई करते थे, क्योंकि बदलने के लिए दूसरा जोड़ा नहीं है, तो कई बार हम लोग क्या करते थे, कपड़ा खराब हो गया तो उसको धोकर कंबल के नीचे रखेगा, फिर हम उसके ऊपर सोएंगे, तो सवेरे तक वो भी क्या हो जाता है, प्रेस हो जाते हैं, निकालते, ऐसा कितने बार, तो कितने बार सिलाई। एक दिन ये बच्चे कभी खेलता भी है, एक लड़का क्या कर दिया, फिनी का, फिनी स्कूल में से वापस आते वक्त में एक बैग ऐसा पीछे पकड़ के आ रहा है, स्कूल बैग पीछे ऐसा पकड़ा, मैंने बोला बेटा क्या ऐसा, तो घूम के दिखाया तो बैग हटा, तो पूरा ये कोई लड़का क्या किया, उधर मैं थोड़ा सा पटा, उधर पेंसिल डालकर नीचे को खींच दिया, तो पूरा क्या हो गया, फट गया, इधर पूरा नंगा। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, बैग लेकर ऐसा है, तो पापा कल से स्कूल में नहीं जा सकता। मैंने बोला क्या बेटा, देखो ये कोई बात नहीं, देखते हैं प्रभु का मर्जी है। तो फिनी ये बोलकर गहने के बाद 20 मिनट के बाद, मैं घड़ी देखा इसलिए बोलता, 20 मिनट के बाद पोस्टमैन आया। पोस्टमैन आकर एक मनी ऑर्डर लेके आया, उसमें 300 रुपया, और उसका मनी ऑर्डर कूपन के नीचे लिखा है, दिस इज फॉर योर चिल्ड्रन स्कूल यूनिफॉर्म, तुम्हारा बच्चों का स्कूल का यूनिफॉर्म के लिए, इंग्लिश में लिखा था। मैं फिनी को बुलाया, बेटा पढ़ो इसको, 300 रुपये। ये बॉम्बे से किसी ने भेजा, उनका एड्रेस भी मुझे मालूम नहीं, पूरा उनका कुछ भी पता नहीं था लिखा। फिर बाद में 3-4 महीने के बाद मुझे मालूम हो गया कौन भेजा है, 5-6 महीने के बाद उसमें लिखा है क्या है, तो मेरा बेटे का स्कूल का कपड़ा खराब होगा, कब खराब होगा करके पहले किसको मालूम है, मेरा स्वर्गीय पिता को मालूम है। मैं किसी का उधार लेकर नहीं बोल रहा हूं, उसी दिन जाकर स्कूल में जाकर दुकान से बेबी के लिए और फिनी के लिए कपड़ा लिया। उसके पहले कितने अच्छी तरह से रहता था, प्रभु की सेवा में आने के बाद उसी उधमपुर में इसी हालत आ गया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, अंग्रेजी में मलयालम में लिखा होता तो मुझे तर्जमा करना पड़ना पड़ा, मतलब मैंने बोला फिनी पढ़ो, फिनी पढ़ा, दिस इज फॉर योर चिल्ड्रंस स्कूल यूनिफॉर्म, 300 में दोनों को 2 सेट पूरा आ गया, सुसन के लिए भी आया, बेबी के, तो उसका मतलब मेरा स्वर्गीय पिता जानता था ये फलाना समय इनका इसी मुताबिक आएंगे। ऐसा मैं अनुभव से बोल रहा हूं, ऐसा कितने बात बोलने का है, अनुभव से। हमारा स्वर्गीय पिता, बॉम्बे कितना दूर है, जम्मू से बॉम्बे कितना दूर है, उनको हम जानता भी नहीं है, अभी जानते हो कौन है बाद में। तो तुम्हारा स्कूल यूनिफॉर्म, बच्चों का स्कूल का वर्दी के लिए, स्कूल का वर्दी के लिए एक पैसा भेज रहा हूं। तो मैं बोलता मेरे प्यारो, चिंता करके क्या करना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा कौन है, स्वर्गीय पिता भी हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हाँ वो क्या है, एलशदाई भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो कौन है, स्वर्गीय पिता। तो मेरा स्वर्गीय पिता, आपको फीस के बारे में चिंता आता है, स्वर्गीय पिता दे करके नहीं बोलना, बल्कि क्या बोलना, स्वर्गीय पिता ये चिंता मेरे अंदर है, इसको क्या करो, निकाल दो, क्या बोलना है, मेरे अंदर से चिंता को निकाल दो। हम क्या करते हैं, स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता हमको दे, स्वर्गीय पिता दे, स्वर्गीय पिता फीस दे, स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता दे दे दे। हम मांगने के पहले, हालेलुया। मत्ती 6:8 भी पढ़कर देखो, मत्ती 6:8, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हाँ, तुम्हारे पिता तुम मांगने से पहले जानता है तुम्हारा क्या क्या आवश्यकता है। मैं बोलता हूं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भूखा रह सकता है, प्रेसिडेंट को भी शायद मौका हो सकता है, लेकिन मुझे जरूरत पड़ते वक्त खाना मिल जाएगा। एलिया को कौवा से खाना खिलाया करके आपने पढ़ा है ना, हैं?
तो कैसा कौआ आता था? एलिया सवेरे इंतजार दे रहे, कौन सा कौआ आ रहा है? आने वाला सारे कौआ के लिए, कौआ के लिए एलिया क्या कर रहा है? मैं एलिया इधर बैठा हुआ हूं, है? मैं एलिया इधर बैठा हूं, जैसा कुछ पास्टर लोग आजकल करता है। मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूं, हमको मालूम नहीं, मैं प्रभु का सेवा सारे दुनिया भर में कवर दे देता है। मैं क्या करता हूं? प्रभु का सेवा करता हूं। कौआ दूसरों से खाना चुरा के ले जाता, ऐसा करता है? नहीं करता। केरला में बहुत कौआ है, हमारे घर में, हमने जो केरला पहले हम जो घर में रहते थे, अभी उतना बड़ा नहीं, पहले हम बहुत बड़ा खेती के बीच में, तो कभी कभी मेरा मम्मी कुछ अप्पम या केला का बना के देगा, तो कई बार माइंड ये बाहर जैसा ऐसा खाते समय मेरे हाथ से क्या करेगा, छीन के, तो मैं मम्मी से, मम्मी बोला देखो खाना लेकर बाहर मत जाओ, कौआ ले जाएगा। मुझे अनुभव है बहुत बार, हम उधर में खुला मैदान है, हमारे नस्ती में कोई घर नहीं, तो इसलिए हम मम्मी को चिप अलग 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 बना के देते वक्त में ऐसा लेकर के मजाक में ऐसा कहते, तो फिर उसके बाद दो तीन बार मेरे हाथों से ले आते वक्त इधर में भी निशान डाल के ले जाते, दर्द भी लग जाता है मुझे। आप लोगों का कोई, आप लोग इतना कौआ इस देश में नहीं है, कौआ दिखाई भी नहीं देता है, है इधर में है कहीं जम्मू में कौआ है? हाँ मेरे प्यारों, कौआ ढूंढ कर आएगा। एलिया जिस चट्टान के नीचे छुपा हुआ है उधर कौआ क्या करता है? ढूंढ कर आता है। कौआ को ऊपर बोलेगा मेरा दास उधर चट्टान के नीचे छुपा हुआ, उधर ले जाकर दे दो। ओ है हमारा स्वर्गीय पिता, हालेलुया। ये स्वर्गीय पिता के ऊपर आपका ईमान आ जाए, विश्वास आए, जब आपने इतना करना दे दो, बाकी पास्टर लोग सब देने मांगो, पास्टर लोग बोलते खड़खड़ाओ मिल जाएगा, ढूंढो मिल जाएगा। वो किसके लिए? पवित्र आत्मा के लिए बोलता है। हमारे सारे जरूर शारीरिक जरूरतों के लिए कभी मांगने के लिए वचन नहीं बताता है। तुम्हारा हर जरूरतों को शुक्रगुजारी के साथ दे दे। आपको अभी मैं ये बताते बताते अभी आगे आने वाला है, आपका जरूरत क्या है करके आपको मालूम हो जाएगा क्या है आपका असली जरूरत, वो भी आपको सिखा कर इधर से भेजूंगा। तो अभी आप क्या सोचते हैं, मकान का जरूरत, कपड़ा का जरूरत है, क्या क्या जरूरत है? बहुत है। हालेलुया, हमारा स्वर्गीय पिता जानता है हमको क्या चाहिए। हालेलुया, मुझे मालूम है कहीं भी जाकर रहे। मैं आपको एक अनुभव बताता हूं आपका विश्वास विश्वास के लिए। मैं और मेरा पत्नी और मेरे साथ 6-7 लोग हैं। हम लोग केरला में मीटिंग करने के बाद हम लोग कोइलोन के द्वारा मद्रास में आने का है। तो केरला में जितना पैसा मिल गया उधर का सेवकाई ले खर्च किया, टिकट सिर्फ लिया, हमारे पास कोई पैसा नहीं। कोइलोन स्टेशन में आ गए, भूख लग रहा है, मैं है मेरा पत्नी मेरे साथ 6-7 लोग भी है उधर बैठा हुआ है रेलवे स्टेशन। मैंने सोचा आज पूरा कोई खाना नहीं होगा, कल दोपहर तक मद्रास में पहुंचेंगे तो उधर में उन लोग कुछ खाना देंगे तो ठीक है, तब तक ट्रेन में पानी नहीं पीकर ऐसा चलेंगे। कुछ भी नहीं, ऐसा रेलवे स्टेशन में उठकर दूसरा गाड़ी के लिए इंतजार कर रहे, तो एक आदमी आकर मुझे बोल, उधर नस्ती में आकर, देखो इस इनके लिए थोड़ा प्रार्थना करें। मैंने बोला आपको, आपका ऐसा, आप मुझे जानते हैं? नहीं, मुझे देखने से ऐसा लग रहा है आप कोई सेवक है, देखने से लग रहा है इसके लिए। तो बीमार के लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद तो मैं थोड़ा सा सेवा करने से आप गुस्सा तो नहीं होंगे? मैंने बोले नहीं। क्या? तो सबको थोड़ा ब्रेकफास्ट खिलाना चाहता हूं। क्या बोलता है? तो पॉकेट में लेके आ रहा है, पेट भर कर खिलाया, उसके बाद 500 रुपया भी डाल दिया हमको, मद्रास में जाकर उनके घर में जाने का किराया भी हो गया। रेलवे स्टेशन में कोई हमको, हम किसी से मांगा भी नहीं, खाना बना खाना तैयार करके दे रहा है। कौन है? हमारा जेब में कोई पैसा नहीं करके, किसको मालूम है? स्वर्गीय पिता को मालूम है।
तो इसलिए आपका शारीरिक जरूरत आते वक्त उसको कौन सा नाम लेकर पुकारना है? स्वर्गीय पिता। शरीर में कमजोरी होती तो कौन सा नाम लेना? सर्वशक्तिमान परमेश्वर या एल शदाय। तो हमारा कोई जरूरत है बाकी साहब आते वक्त में क्या बोलना है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। लिखो अगला, निर्गमन 6:1-6 तक पढ़िएगा। निर्गमन 6:1-6 तक। निर्गमन 6:1-6 तक। एक्सोडस 6:1-6। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वह परदेसी होकर रहते थे उसे उन्हें दे दूं। इसराइली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। देखिए दोबारा आप पढ़ो, जैसे जो बात आपको अच्छी तरह से दोबारा और एक बार पढ़ो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूँगा, जिससे वह उनको बरबस निकाल देगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। अब्राहम, इसहाक, याकूब को कौन सा नाम से देखता था? सर्वशक्तिमान, मैंने बताया। परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। यहोवा के नाम से प्रकट ना हुआ। देखिए अभी आपको थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है, जो मैं बता देने का उसका भेद थोड़ा समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो अभी यहोवा। यहोवा का मतलब है सेल्फ एक्सिस्टिंग, सेल्फ एक्सिस्टिंग वन। उसके लिए हिंदी में क्या बोल सकते हैं? अपने आप ही, स्वयंभू परमेश्वर, स्वयंभू, सेल्फ एक्सिस्टिंग, स्वयंभू, किसी का मदद से आया नहीं, स्वयंभू, सेल्फ एक्सिस्टिंग, किसी का मदद से आया नहीं। तो इसका मतलब क्या? उन्होंने अभी मूसा को बताओ तो मैं यहोवा परमेश्वर करके बोलता हूं, इसका मतलब उन्होंने बताते मैं इसराइल को उधर से छुड़ाऊंगा और उनको कनान देश में ले जाऊंगा। यह वायदा किसको दिया था? अब्राहम को। प्रभु बोलता है मुझे किसी फरो से पूछने का कोई जरूरत नहीं है, मैं कौन हूं? सेल्फ एक्सिस्टिंग, स्वयंभू, मैं अपने आप ही सब कुछ करने वाला हूं, मुझे किसी से पूछकर कोई काम करने का जरूरत नहीं, मैं यहोवा हूं। यहोवा, मुझे फरो को पूछने का जरूरत नहीं, कनान देश में जाकर उन लोगों को उधर से निकालने के लिए उनसे भी पूछने का जरूरत है, मैं अपने आप ही सब कुछ करने वाला, सेल्फ एक्सिस्टिंग, अपने आप ही सब कुछ करने वाला हूं। तो जो वायदा मैं अब्राहम को दिया, इसहाक को दिया, याकूब को दिया, पूरा करने के लिए मैं ताकत रखता हूं, मुझे किसी का मदद का जरूरत नहीं, मुझे ना फरो का मदद का जरूरत है या कनानी देश को फरक नहीं, तो मैं अपने आप ही सब कुछ करने वाला हूं। इसलिए बोलता है यहोवा परमेश्वर, वायदा पूरा करने वाला, जो मैंने बोला है वो मैं क्या करूंगा? पूरा करूंगा, मुझे किसी का मदद नहीं चाहिए। हालेलुया। ये यहोवा, आपको प्रभु ने कुछ वायदा किया तो उस वक्त आप कौन सा नाम बोलना है? यहोवा परमेश्वर, ये नाम लेना है, यहोवा परमेश्वर। अब्राहम को सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके बोला, वही नाम लेकर इधर मूसा को नहीं बोल रहा है, मैं उनको छुड़ाने का समय आया, मैं छुड़ाने जा रहा हूं, तुम उसके लिए तैयार हो जाओ। मूसा को क्या कर रहा है? तैयार कर रहा, मैं यहोवा हूं, स्वयंभू परमेश्वर, मैं अपने आप में सब शक्ति रखने वाला हूं,
तो मैं क्या कर सकता हूं, उनको छुड़ा सकता हूं। इसलिए बोलता मैं इसराइल का उनका रोना मैंने सुन लिया है, मैं उनको छुड़ाऊंगा, कनान देश में लेकर जाऊंगा। जो बात मैंने बोला है उस बात को पूरा करने के लिए मुझे किसी का मदद का कोई जरूरत नहीं। मैं यहोवा परमेश्वर हूं। मैं कितने बार परमेश्वर यहोवा परमेश्वर करके पुकारता है, यहोवा परमेश्वर आपने इस कौम को मुझे देगा। मैं नेपाल में ये आपको मालूम है, नेपाल में मैं सेवा के लिए बहुत, नेपाल और चीन में, मैं उसका थोड़ा सा आपको बताऊंगा यहोवा परमेश्वर कैसा कार्य करता है। नेपाल में मैं प्रभु ने जब मुझे नेपाल में पहले बार जब भेजा, मैं जब इधर उधमपुर में बैठते वक्त प्रभु ने बोला नेपाल में जाओ सेवा शुरू करो, तो मुझे नेपाल का कोई एड्रेस नहीं, किसी का एड्रेस कुछ भी नहीं। नेपाल में गए, मैं बंगाल में गए, वेस्ट बंगाल में गए, वेस्ट बंगाल गए तो बैक डोगरा में गए, उधर से मुझे मालूम हो गया उधर से ककड़ा बीटा उधर से अंदर जा सकता है। उस वक्त नेपाल में राजा का शासन चल रहा है, उधर उस वक्त राजा का कानून था कोई सेवक आए तो उनको 16 साल जेल, कोई विश्वासी बनता तो 6 साल जेल में, कुछ लोग जेल में पड़े हुए थे, मुझे कोई एड्रेस ही नहीं है। तो मैं बैकडोर में गया तो उधर टीटी थॉमस नाम एक व्यक्ति था, उन्होंने बोला उधर में बिरटनगर के आगे लक्ष्मीपुर में जाएगा, उधर में एक भाई उसका दुलाराम मरंडी, दुलाराम मरंडी नाम एक आदमी है, वो विश्वासी नहीं है, एक विलेज पंचायत का इलेक्शन वगैरह खड़ा होने, लेकिन यीशु मसीह के बारे में थोड़ा उनका मन में भी है, विश्वासी नहीं है, बोला उनका एड्रेस देता हूं। तो उन्होंने बोला वो रेंगिया के आगे लक्ष्मीपुर गांव में है, उधर में आप पहुंचना। तो मैं प्रार्थना करके निकल गए, बिरटनगर में आया, रात को उधर छोटा सा होटल में रहा, फिर दूसरे जीप मेट्रो में बैठकर रेंगिया में उधर से पूरी चलते 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 2.5-3 घंटा चलते चलते दो शाम तक, शाम नहीं हुआ 4 बजे तक उधर पहुंच गए। तो गांव गांव में ढूंढते तो जब उधर पहुंच गया, उधर में उनका छोटा मकान था, मिट्टी का बना हुआ मकान, उनका खाना मैंने चलते चलते बहुत थक गया, तो खाना बनाने वाला उस रसोई के पास मिट्टी का बना उधर में मैं बैठ गए उनके पास। वो तो उस वक्त वो दुलारा मरंडी उधर नहीं है, उन्होंने खेतों में काम कर रहा है। तो मैं जाकर उधर बैठ गया, थका हुआ था, इतना पाव लंबा करके मैं बैठ गया क्योंकि चलते 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 पाव दर्द हो गया था, ऐसा बैठ गए मिट्टी में, जो मिट्टी नहीं क्या गोबर लगा हुआ उधर में बैठा था। तो बाद में दुलारा मरंडी आया करीबन आधा घंटे के बाद बुला के, मुझे देखकर उन्होंने ऐसा शौक हो गया, उन्होंने बोला कल रात को पिछले रात को मैं सोते वक्त एक दर्शन एक स्वप्न देखा, एक बड़ा सिंह इंडिया से चलकर आ रहा, आप जिधर बैठा उधर बैठ गया, क्या देख रहा है उन्होंने, एक सिंह चलकर आ रहा हिंदुस्तान से, आप जिधर बैठा उधर वो बैठ गया। तो आप कौन है मुझे बोला, मैंने बोला मैं ऐसा यीशु मसीह के बारे में थोड़ा बताने के लिए आता। अच्छा अच्छा, यीशु को बताने वाला। तो बोला माम हम लोग तो ऐसा मसीह नहीं है, फिर भी आप बता, क्योंकि लोग डरते थे। ऐसा मैं उधर बैठे ऐसा बातें करते वक्त उन्होंने थोड़ा कुछ पानी पीने के लिए दे दिया, तो उस वक्त वो उधर का गांव का लीडर भी है संताली लोगों का, एक बहन को लेके आया, उनका कैंसर का बीमारी, उनका नंगा छाती पूरा नंगा है, थोड़ा सा कपड़ा कमर में बांधा हुआ है, छाती खुला हुआ है, पूरा सड़ा हुआ मर रही है, आखिरी सांस ले रहा है लोग बोला, तो उनको उधर लाकर केले के पत्ते में लटा दिया, नीचे जमीन में केले के पत्ते के ऊपर लटा दिया। तो बोला मर रहा है, तो इनको उन लोग सोच रहे इसको कैसा, अभी मर जाएगा, इसको कैसा जलाना क्या करना, इसलिए लेके आए। तो देखा तो उनका छाती पूरा सड़ा हुआ है। मैं सोचा, मैं बोला थोड़ा सा मैं प्रार्थना करूं। हाँ प्रार्थना करो। मैं बैठकर उनके सिर में हाथ रखा, तो उन लोग देखते ही देखते ही देखते वो दोनों छाती का पूरा घाव खत्म हो गया पूरा। उन लोग देखते 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 मैं भी देख रहा हूं, पूरा नया चमड़ा आ रहा है, बिल्कुल नहीं। वो का आंख खुल गया, उठकर बैठ गए। ऐसा नेपाल में सेवा शुरू करने के लिए प्रभु ने कुर्बान दिया। इसके बाद कितना मुसीबत आया,
मुझे कितने बार भगाया, कितने बार पुलिस मेरे पीछे पड़ा रहे, मैं खेतों में या केले के पेड़ों के बीच में या बांस के उधर में कौन सा सांप भी निकल आता, नाग भी निकल आता है, तो मैं नाग भी ऐसा निकल आता उसके बीच में ऐसा चलता रहता था, तब पूरा मैं कौन सा नाम बोलता था, यहोवा परमेश्वर तूने बोला है किधर जाने के लिए, नेपाल जाने के लिए तूने मुझे नेपाल में भेजा है, यहोवा परमेश्वर तुम्हारा तुमने बोला है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और उधर जाकर सेवा करते करते उसके बाद उस बार काफी लोग प्रभु में आ गया, उस वक्त हमने क्या कहता पुलिस पकड़ने के आते थे तो उधर में नस्तिक में उन लोग ये कुमार क्या बनाते थे मट्टी से वो उधर घुमाने वाला, तो मैं भी उनके साथ शामिल हो गया, उनके साथ शामिल होकर मिट्टी खोदना मिट्टी करना इकट्ठा करना ताकि तो रात को ऐसा मैं भी क्या कौन सा कपड़ा पास्टर का कपड़ा नहीं कौन सा कपड़ा है मजदूर का कपड़ा पहन के उधर बैठ कर आपको मन में किधर सोता था ये घास के ऊपर सोता था, मुझे घास के ऊपर सोकर आदत नहीं था तो घास जो परेली पर क्या बोलते हैं पुराली जो चावल का तो पहले दिन सोता तो पूरा पीठ में पूरा क्या हो रहा है खारिश हो रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो ऐसा सोता था, जो खाना क्या देता था वो सारे बताने का कोई जरूरत नहीं, हाँ तो बताने से फिर आप लोग आपको मुश्किल और हो जाएगा तो वो बात अभी नहीं बताऊंगा, तो ऐसा रहकर उधर मैं सेवा करने के लिए प्रभु ने उस वक्त सब मुझे कौन सा बात याद आता था यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, काफी लोगों को बपतिस्मा दिया, पहले बार गया दूसरे बार तीसरे बार 23 लोगों को बपतिस्मा दिया, 23 लोगों को बपतिस्मा लेकर उधर प्रभु भोज भी चढ़ा है, तो उस वक्त आया मुझे पकड़ने के लिए लोग आ रहा है घोड़े में आ रहा है, मोटरसाइकिल में आ रहा है, जीप में आ रहा है, अलग अलग जगह से खबर मिल गया, तो बपतिस्मा लेकर प्रभु चला, मेरे साथ दुलारा मरंडी और दूसरे एक आदमी है उनको लेकर हमने जल्दी दौड़ते दौड़ते रोड में आ गया, रोड में एक मेटाडोर मिल गया, मेटाडोर में बिरट नगर मेटाडोर का स्टॉप से फिर 1.5 किलोमीटर दूर जाना है असली बस स्टैंड में, उधर देखा तो पुलिस खड़ा है, उस वक्त नेपाल का पुलिस का ताकत राजा का समय था, ऐसा किसी को बोलने से उसका अरेस्ट है, अंगुली से ऐसा करेगा तो क्या हो गया अरेस्ट है, इतना ताकत था, अभी तो पुलिस को मार मार कर लोग भगाता है, उस वक्त पुलिस का टोपी भी देखा ना कैसा होता था, जो ऑफिसर का टोपी जैसा होता था, इतना अधिकार था पुलिस का, घोड़े भी राजा का पुलिस है, अभी तो उसका पूरा उन लोगों का मार मार कर हिंदुस्तान का पुलिस के समान तकरीबन बना दिया मेरे ख्याल में, अभी नेपाल का पुलिस को हिंदुस्तान का पुलिस एक एक बीड़ी देने से भी आने वाला है, तो नेपाल का पुलिस ऐसा नहीं था, बहुत अधिकार रखने वाला था, तो उन लोग आ रहे तो मैं जब देखा तो बस स्टैंड में मेटाडोर का स्टैंड में भी एक पुलिस खड़ा है, मुझे मालूम हो गया मुझे शायद पकड़ेगा, तो मैं क्या किया, भीड़ भरा हुआ है मेटाडोर में, मैं एकदम पहले उधर खड़ा ऐसा बोलकर मैं निकल आ गया, तो मेरे स्लीपिंग बैग था वो दुलारा मरंडी और दूसरे एक आदमी था उनके हाथ में था, मैंने उनको पहले ही पैसा थोड़ा देख रखा था, मैं बस स्टैंड में जाकर क्या आगे मैं जाऊंगा आप लोग कैसा आना है, तो आप लोग ककड़ा बिटा तक आना है, तो मैं ऐसा बोलने से ये पुलिस मुझे नहीं देखा अंदर कौन बैठा उनको देख रहा, तो मैं निकल कर आकर साइकिल रिक्शा में बैठ के मैं 1.5 किलोमीटर दूर आकर बस में बैठ गया, तो ये बाद में दुलाराम मरंडी को और उनको पकड़े स्लीपिंग बैग किसका उनका पेट में ऐसा लकड़ी से ऐसा उनके पास से डंडा से करते फिर उन लोग भी बचकर आ गया, मैं उधर आया तो बस स्टैंड के पास आया तो उधर में एक बस खड़ा है पुलिस भी है, तो मैंने बस से पूछा खड़खड़ बिटा जाता है ड्राइवर के पीछे के सीट में मैं बैठ गया अकेला उधर बैठ गया, तो पुलिस दोनों बोल मुझे नेपाली पूरा मालूम नहीं है तुमको थोड़ा कुछ मालूम है, लोग बोलते उस आदमी को पकड़ने गया मोटरसाइकिल में भी गया है घोड़ा के ऊपर भी गया जीप में भी गया उसको जरूर पकड़े होंगे वो हिंदुस्तानी को, फिर भी लोग बोलते थोड़ा गाड़ी में देखते मैं क्या है यहोवा परमेश्वर का वायदा लेके यहोवा परमेश्वर तू मेरे रखवाली अनादि परमेश्वर दो बात है अनादि परमेश्वर और क्या बोलते हैं यहोवा परमेश्वर, मैं इधर सीट में ऐसा बैठा ऐसा सो नहीं रहा ऐसा आंग बंद करके ऐसा बैठा हुआ, तो उन लोग गाड़ी में आकर देखकर उतर गए,
फिर आधा घंटे के बाद कुछ लोग, काफी आधा लोग भर गए, फिर भी उन लोग दोबारा आकर चेक किया, निकला। आखिरी में पूरा गाड़ी भर गया तो तीसरा बार भी आकर चेक किया, मुझे पकड़ा नहीं। ड्राइवर को बोला गाड़ी लेकर जाओ। हम करीबन 6 किलोमीटर आगे आए तो पीछे मोटरसाइकिल भी आ रहा है, जीप भी आ रहा है, आकर गाड़ी के आगे खड़ा करके रोक दिया। पुलिस इतना गुस्सा से, आपको मालूम है, लाठी मार रहा है, क्या बूट से गाड़ी को किकिंग कर रहा है, अंदर आ गया, सबको देख लिया, बहुत है खदर है तो बहुत, सबका चेहरा देख रहा है। मैं उधर बैठा, मुझे कोई पूछा भी नहीं, तो जाओ बोल दिया। मैं खकड़ा बिटा में आकर हिंदुस्तान में बागडोगरा में आ गया रात को। तो उसी दिन कैप्टन बहल, क्योंकि मैं नेपाल में जाकर 2 हफ्ते हो गए, उन लोगों को टीम के लोगों को सबको मैं बागडोगरा में छोड़कर गया था, मैं आया नहीं, उन लोग बहुत परेशान हो गए। कैप्टन बहल मुझे ढूंढकर बिरटनगर तक आ गया, उन्होंने एक होटल में रह रहा, तो होटल में, जिस होटल में उन्होंने रह रहा है उधर पुलिस आकर चेकिंग कर रहा है, सारे होटल में चारपाई के नीचे भी देख रहा है कोई बैठा हुआ है। तब तक मैं किधर पहुंच गया है, हिंदुस्तान के बागडोगरा में पहुंच गया। मैं क्यों बोलता हूं कि किसी का उधार लेकर नहीं बोलता, यहोवा परमेश्वर का ताकत मैं अनुभव किया है कितने बार। तो मेरे प्यारों, समय समय पर परमेश्वर का नाम लेते समय में उसका मतलब समझते हुए, उधर में मुझे पुलिस पकड़ने के लिए आते, यीशु यीशु मुझे बचा लो यीशु, तो यीशु क्या बोलता है उस वक्त, यीशु का आपको क्या याद आएगा, यीशु का नाम लेने से इधर मारेगा तो इधर तुम अपने आप जाकर हवाला कर दे। दया से बराबर यीशु के नाम से क्या करना, इनको क्यों इतना परेशानी होना, समझ में आया, इनको क्यों इतना परेशानी होना, तुम यीशु के नाम से जाकर क्या करें, जाकर उधर में क्या बनाया, यहोवा परमेश्वर वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर। समझ में आ रहा है आपका फर्क, इसी मुताबिक पर मैंने आप, हमारा वचन क्या है, जो अपना परमेश्वर को जानता है हियाव बांधकर क्या करेगा, बड़े काम करेंगे, हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, इसी मुताबिक चीन में, चीन का भी एक आप एक अनुभव आपको बताता हूं, आपको दिलेरी के लिए, आप बहनों काफी डर जाता है इसलिए बताता हूं। चीन में प्रभु का वचन बताने के लिए कोई अनुमति नहीं है, प्रभु ने बोला तुम चीन में जाओ, मुझे कोई बुलाया नहीं, तो पहले जाना बहुत मुश्किल हो गया, मैं जाकर बॉर्डर से वापस आना पड़ा, दूसरा बार जब गया कैसा गया वो सारे बात बताने के लिए समय काफी लगेगा, वो पूरा बताने नहीं जाता हूं। तो मैं उधर का यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए बोल दिया, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, क्योंकि उधर में अंग्रेजी पढ़ाने वालों को परमिशन मिलता है, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा मुफ्त में। मैंने बोला मुझे सिर्फ खाना दे दो, मैं होटल में रहूंगा, छोटा होटल, होटल में रहूंगा, मुझे खाना दे दो। उधर से मुझे खाना देता था, मैं अंग्रेजी, मैंने बोला उधर का टीचर को, मैं इंग्लिश बाइबल से क्या सीख रहा था, अंग्रेजी सिखा रहा था। तो उधर का लोग बोला, देखो उधर में सारे फॉरेनर्स के ऊपर एक आदमी को मुकरर किया हुआ है, वो आदमी बहुत खतरनाक आदमी है, उनको अंग्रेजी आता है, वो आपको देखना नहीं। तो मैं उधर में वचन सीख रहा था, ऐसा 1.5 हफ्ता हो गया। तो एक दिन शाम को, उन लोगों को सबको अंग्रेजी पूरा अच्छी तरह नहीं आता, यीशु मसीह कैसा कबर से निकला करके, मैं बोर्ड में कबर खोलकर पत्थर रखकर ऐसा चौक में बनाकर यीशु कैसा बाहर निकल आया वो बता रहा था। तो ये आदमी आकर दरवाजे में खड़ा हो गया, क्या तुम बाइबल पढ़ाता है, यीशु को, यीशु के बारे में पढ़ाता है, यू आर अंडर अरेस्ट, तुम गो अभी, अरे तुम होटल में जाओ। मैं जब होटल में पहुंचा, मेरे दरवाजे के पास, रूम के पास 2 पुलिस खड़ा बंदूक लेकर। मैंने बोला, उन्होंने बोला कल 9 बजे मैं तुमको आकर मिलूंगा। तो होटल मेरा, तब रात भर मैं यहोवा परमेश्वर का नाम लेता रहा, यहोवा परमेश्वर, और दूसरा अनादि परमेश्वर। सुबेरे 9 बजे मुझे मालूम हो गया अभी मुझे हिंदुस्तान में वापस नहीं जा सकेगा, इधर ही खत्म। तो 9 बजे वो आया, वो आदमी ऐसा आदमी था,
उनका अपना बाप को चीन का कम्युनिस्ट पार्टी से पकड़वा कर उनको गोली मारकर खत्म किया, अपना बाप का जगह लेकर बैठा हुआ है वो, दूसरों का बाप नहीं, अपना बाप को मार के पुलिस ने मेरा बाप ऐसा ऐसा करता करके बोल दिया तो उनके उनको गोली से उड़ा दिया, मार दिया उनके जगह में, इतना खतरनाक आदमी है। मैंने सोचा ठीक है आज इनको वचन बताकर उद्धार पाए तो ठीक है। उन्होंने आकर कुर्सी में बैठ गए, मैंने बोला ठीक है आप मुझे ले जाने के पहले, उनको अंग्रेजी अच्छी तरह आता, मुझे कुछ बातें बताना, बोला बताओ। मैं बोला तुम पापी है, ऐसा बोलकर तुम नरक में जाएगा। बोलते 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 दो मिनट के लिए बोलकर डेढ़ घंटा हो गया और रोने लगा, मैं पापी हूं। फिर बोला, मैंने बोला उन्होंने घुटना टेकर यीशु को कबूल किया तो उन्होंने बोला मेरा पत्नी बीमार है, बिस्तरे में उनका अतरंग का बीमारी है। मैंने बोला फोन में मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं, मैं फोन पे प्रार्थना किया। उनको उनका इंग्लिश नहीं आता, लेकिन मैं प्रार्थना खत्म करते ही उठकर बैठ गई, मैंने उनका देखा भी नहीं। वो पत्नी भी बहुत खुश हो गई, वो कम्युनिस्ट का लीडर था, प्रभु की कृपा से उनको उन्होंने बपतिस्मा लिया, पवित्रात्मा पाया और उनके द्वारा मुझे चीन में बहुत सेवा करने के लिए प्रभु ने दरवाजा खोल कर दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं क्यों आपको बताता हूं, आपको कोई दरवाजा बंद पड़ा हुआ है तो भी यहोवा परमेश्वर, हालेलुया, वायदा को पूरा करने वाला। इसलिए मेरे प्यारों, अभी मैं समाप्त करने जा रहा हूं, हम जिसका सेवा कर रहा है वो कोई खबर में पड़ा हुआ नहीं, वो कौन है, आई एम दैट आई एम, माई जो हूं सो हूं, मेरा बराबर में कोई नहीं, मेरे नस्तिक में आने के लिए कोई नहीं, मुझे कोई नाम का जरूरत नहीं है, मुझे जानने के लिए कोई नाम से पुकारने का जरूरत नहीं। मैं कौन हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। तुम्हारा अब्राहम, तुम 99 साल हो गया, तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया तो भी तुम जान लो मैं कौन हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं एल शदाई हूं। और दूसरा मैं कौन हूं, मैं अनादिकाल का परमेश्वर, चाहे दुश्मन कुछ भी आए, कोई भूत आए, कोई बंदर आकर आपको दबा रहे, बंदर का शक्ति आकर आपको दबा रहा है, बंदर को दूसरा नाम क्या बोलता है, हाँ हनुमान आकर दबा रहे, तो अनादिकाल अनादि परमेश्वर है, अल्लाह आकर दबा रहा है, मोहम्मद आकर दबा रहा है, अनादि परमेश्वर, हालेलुया। फिर वायदा पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर, तो उनको किसी का इसराइल को छुड़ा के जाने के लिए मैं कर सकता हूं। इधर सुनिएगा, प्रार्थना के पहले आपके सामने आपको प्रभु प्रेरणा दे रहे, इन सरदारों को छुड़ा दो, तब कौन सा नाम से जाना है, यहोवा परमेश्वर, कौन सा नाम से जाना, बीमारों को कौन सा नाम से निकालना, यीशु के नाम से चंगा करना, छुड़ाना तो यहोवा परमेश्वर के नाम से मैं आ रहा हूं, यहोवा परमेश्वर के नाम से, तुम्हारा गढ़ों को थोड़ डालेगा वो, हर जगह में बीमार आएगा तो क्या करना, यीशु के नाम से उनको चंगा करना, हर जगह में यीशु का नाम नहीं, वो दिया हुआ नाम है, बाकी जो मैं यहोवा परमेश्वर, मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से आ रहा हूं, मैं अनादिकाल का नाम परमेश्वर के नाम से आता हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से आता हूं। ऐसा बोलेगा तो अपने आप ही आपका क्या होगा, नहीं हमेशा यीशु 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 बोलते हो तो हमेशा क्या करेंगे, आपके अंदर में दिलेरी पूरा नहीं आता, बीमारों का नाम लेते होगा यीशु का नाम, बीमारी भूत को निकालने के लिए यीशु का नाम, लेकिन शैतान का अड्डा तोड़ने के लिए जाते समय में यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु बोले सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह बोला मैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया, जाओ तुम छुटकारा लोगों को छुड़ा के लेके आओ। यीशु का नाम किधर इस्तेमाल करना है, अनादिकाल का परमेश्वर का नाम किधर इस्तेमाल करना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर किधर, यहोवा किधर, ऐसा आप समझ करके आगे जाना, प्रार्थना करो तो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अनादि ईश्वर तो गाओ, अनादिश्वर तू मेरे लिए यीशु शरण स्थान ठहरा है, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, नंबर बोल दो, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, अनादिश्वर तू मेरे
कौन सा है? हाँ, ईश्वर तू मेरे लिए यीशु शरण स्थान ठहरा है, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में और एक बार गाएं, और एक बार गाने का मन करता है, और एक बार गाएं, हाँ, और एक बार। अनादीश्वर तू, ये सुनिए सुनिए, वो नाम अभी हमने सीखा उसके उस मतलब को समझते हुए गाएं, वो ये नाम आपके अंदर में जाए, उधर में अनादि ईश्वर भी है, होवा भी है, हाँ गाओ। अनादीश्वर
आमेन आमेन। सुनिएगा, अंधकार का शक्ति दूसरा स्वर्ग में रहकर शिव भी बाकी वगैरह अपना कार्य कर रहा है। वो स्वर्ग भी किसका है? यहोवा का। उधर से उनको सबको उतारने जा रहा है, काफी उतार दिया उनको। ये अंधकार का शक्तियों को सबको आवाज का इख्तियार और स्वर्ग में रह करके दूसरा स्वर्ग में रह करके कार्य करने वाला सबको उतार कर आग का झील में डालने का है। वो विश्वास करते हुए एक दो बार और गाएंगे, समझ कौन सा है? ये राम उधर बैठा है, बड़ा हम बोलता है किधर बैठा है? स्वर्ग में बैठा है, इधर बैठा है, उधर। वो सब किसका है? हमारा। उनको थोड़ी देर के लिए समय दिया, उनको सबको जैसा अधिकार के साथ उखाड़ कर क्या फेंकने जा रहा है नीचे।
नीचे फेंक उनको किधर जाने जा रहा है, यह शिव को भी राम को भी सबको सारे ताकत को आंखें झील में डालने जा रहा है, हवा का इख्तियार को, शैतान की सारे ताकत को, लूसीफर को आंखें झील में डालने जा रहा है। इसलिए हम गा रहे हैं स्वर्ग यहोवा का है, धरती भी उसकी रचना है।